पिछले दो दशकों से ज्यादा इस देश में सरकारें लगातार बदलती चली गई हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आर्थिक नीतियां लगातार वही चलती चली जा रही है। वो कैसे चलती चली जा रही हैं, नई सरकार कैसे उसी का कंटिन्यूएशन है, इस पर हम आज उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इन पूरी नीतियों का इस देश के एक तबके को भरपूर फायदा हो रहा है, और यही कारण है कि पूरा मीडिया या मीडिया में जो बुद्धिजीवी लिखते हैं, जो कॉरपोरेट गुरुज हैं, गुरचरण दास जैसे जो कॉलमनिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, बेसिकली इस देश के बड़े इंटेलेक्चुअल्स, सारे टॉप एकेडमिशियंस, सारे पॉलिटिशियंस, कुल मिलाकर सब इन नीतियों को डिफेंड करते हैं, और सबका यही कहना है कि इस देश के लिए विदेशी पूंजी, बाहर की कंपनियों का आना अत्यावश्यक है। उसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं ना, मतलब कुल मिलाकर जो दो दशकों का धोरण है उसका इसेंस, यानी ग्लोबलाइजेशन, जागतिकीकरण की जो नीतियाँ लागू हैं उसका इसेंस ये है कि इस देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए और बाहर के सामानों के लिए खोला जा रहा है। और उसका दूसरा पहलू है कि यहाँ की कंपनियाँ भी बाहर जाने को स्वतंत्र हैं। अब वो अलग बात है कि हमारी कंपनी और बाहर की बड़ी कंपनियों में कोई तुलना नहीं है, इसलिए उसका इसेंशियल पहलू ग्लोबलाइजेशन का यही है कि हमने अपने देश को विदेशी कंपनियों और सरकारों के लिए खोल दिया। उसका क्या लॉजिक है ये तो आज मेरा विषय नहीं है कि जो एक्सटर्नल क्राइसिस है, जो विदेशी कर्जा था 91 में, जिसके चलते कि इन्होंने जागतिकीकरण की नीतियां लागू की, मैं आज उस पर नहीं बोलने वाला। लेकिन संक्षेप में इतना ही कि आपको शायद मालूम होगा इस देश ने जो धोरण शुरू किया था 91 में, उस धोरण के पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था कि इस देश पर विदेशी कर्जा $83 बिलियन पहुंच चुका है। विदेशी कर्जे को देश के टैक्सेस से, देश की आमदनी से नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि वो कर्जा डॉलर्स में, और रुपए डॉलर कागज पर एक्सचेंजेबल है, 60 रुपीज टू अ डॉलर या जो भी वैल्यू है फिलहाल, लेकिन असल में आप 60 रुपए देंगे तो आपको कोई अमरीकी डॉलर नहीं देगा, क्योंकि रुपए की कोई इंटरनेशनल वैल्यू वैसे नहीं है। ये खाली कहने के लिए, दुनिया में जो व्यापार चलता है या दुनिया में जो लेन देन चलता है वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करेंसीज में चलता है, जो 3-4 है मुख्यतः, यानी अमेरिका का डॉलर, यूरोप का यूरो, या कुछ यूरोपीय देशों की करेंसी भी चलती है जैसे पाउंड, मार्क वगैरह, और जापान का येन। ये दुनिया की मुख्य करेंसीज है जिनमें व्यापार होता है। तो आप यदि विदेशी कर्जा लेते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करेंसी में चुकाना पड़ेगा, यानी आपको कहीं ना कहीं से डॉलर चाहिए, येन चाहिए वगैरह। तो $83 बिलियन का कर्जा था और देश का विदेशी मुद्रा भंडार कंगाल था, हमारे पास डॉलर नहीं थे कर्जा चुकाने के लिए, इसीलिए हमने विश्व बैंक की शर्तें स्वीकारी और ग्लोबलाइजेशन की नीतियां लागू की। तब से लेकर आज तक वही नीतियां जारी हैं। अब देखिए, ये जो बुनियादी आर्थिक सच्चाई है इस पर कोई पार्टी नहीं बोलती, और ये चुनाव का मुद्दा नहीं बनता कि ये कर्जा था, उसके चलते हमने एक धोरण लागू किया, और उस धोरण का एक लॉजिक ये है, वो लॉजिक आज मैं नहीं समझा सकता क्योंकि आज के व्याख्यान का विषय दूसरा है कि भारत के भीतर क्या हो रहा है, ये आज का विषय है। लेकिन बहुत संक्षेप में बाहर का मुद्दा बता दूं कि जो नीतियां हैं उसका लॉजिक ये बना है कि देश का विदेशी कर्जा जो $80 बिलियन था वो आज 5 पट बढ़ के $350 अब्ज हो चुका है, $350 बिलियन। एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, कोई भी नेट पे देख लीजिए, इसी के आसपास बढ़ता चले जा रहा है। तो हम जितनी गंभीर आर्थिक संकट में 91 में थे, आज उससे ज्यादा गंभीर संकट में है, और ऐसे में हम ज्यादा मोहताज हैं क्योंकि ये विदेशी कर्जा है, डॉलर से चुकाया जाएगा। यही कारण है कि इस देश को FDI चाहिए। वो हमारी मर्जी की बात नहीं है, ये सब जो भाड़े के अर्थशास्त्री जो भाषण देते हैं कि FDI से विकास होगा वगैरह वगैरह, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मुख्य मामला ये है कि हमको FDI इसलिए चाहिए क्योंकि FDI के नाम पर डॉलर आता है, और उस डॉलर से हम जो कर्जा बढ़ता जा रहा है उसकी किस्तें चुकाते हैं।
तो यही कारण है कि यशवंत सिन्हा या भाजपा जब विपक्ष में थी तो इंश्योरेंस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रही थी, अब जब सत्ता में आ गए हैं तो पॉलिसी रिवर्स करके अनाउंस कर दिया है कि हम इंश्योरेंस में 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे, और अखबारों में आंकड़े आने लगे हैं कि विदेशी कंपनी आएंगी तो कितने बिलियन डॉलर इस देश में आएंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम वो विदेशी डॉलरों के लिए मोहताज हैं, कारण वो है, कारण ये नहीं बताते। एक प्रचार का माहौल है कि डॉलर आएंगे तो देश का विकास होगा, डॉलर आएंगे तो विकास नहीं होगा, उसका परिणाम क्या हो रहा है हम उस पर आज बात करेंगे। तो वो जो क्राइसिस है, यही कारण है कि अलग अलग पार्टियां सत्ता में आती हैं तो नीतियों को आगे बढ़ाती हैं, विपक्ष में रहती हैं तो वोटों के लिए विरोध करती हैं, कुल मिलाकर उनमें कोई फर्क नहीं है। जबकि सही बात है कि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इतना भयंकर कर्जा है तो क्या किया जाए, और उसके चलते पूरा देश गिरवी पर रखते चले जा रहे हैं, इंश्योरेंस क्या वो पूरे के पूरे इलाके बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपने की तैयारी चल रही है, उसमें बड़ी कंपनियां और उनके छोटे भाई यहां की बड़ी कंपनियां, मतलब विदेशी कंपनियां और टाटा बिरला, ये इनकी हाथ में लौनी है जैसे बोलते हैं ना, ये मिले जुले उनका एक कोलैबोरेशन है, ये छोटे भाई वो बड़े भाई। अब उसके दूसरे पहलू पर बात करें, यह हुआ बाहर की स्थिति का पहलू, उससे देश के भीतर क्या हो रहा है, इन नीतियों से इस देश के अमीरों को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। जैसे अंग्रेज जब भारत में आए थे तो जमींदारों को फर्क नहीं पड़ता था, और राजे रजवाड़े और जमींदार ये सब अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनका फायदा हो रहा है। आज वही स्थिति है कि इस देश के जो अमीर हैं उनको इन नीतियों से नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि फायदा हो रहा है, और इसीलिए वो सब धड़ल्ले से प्रचार करते हैं कि भाई क्या बुरा है, हम लोग फीस बढ़ी यूनिवर्सिटी में उसके खिलाफ अभियान चलाए हस्ताक्षर अभियान, तो एक प्रोफेसर हमको ये बोले कि क्यों विरोध कर रहे हो स्कूल में फीस बढ़ने का, मेरा कॉलेज में फीस बढ़ने का, मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता है उसमें इतने कुछ कई 10-70-80 हज़ार की फीस है, तो कॉलेज में यदि फीस 20 हज़ार हो गई तो क्या प्रॉब्लम है। तो जिस प्रोफेसर को 70 हज़ार रुपये फीस परवर्ती है स्कूल में देने की, उसको क्या दिक्कत है कि फीस बढ़े कि ना बढ़े। तो एक तबका है जिसको इन नीतियों से फायदा हो रहा है, जिसने एक प्रकार से ये देश अपने लिए आरक्षित करा लिया है, और वो रोज प्रचार करता है, और जब हम रोज प्रचार सुनते हैं तो हमको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, शायद देश विकास कर रहा है। लेकिन उस देश का जनता पे क्या असर हो रहा है, कौन विकास कर रहा है और किसकी तबाही हो रही है, ये आज का विषय है, उसका जो बाकी लॉजिक है वो आज का विषय नहीं है। तो चलिए देखें कि क्यों इस देश के बड़े लोग धन धान्य वो सब समर्थन कर रहे हैं। आंकड़े हैं, एक अखबार की रिपोर्ट है, वो कहती है इट्स रेनिंग बिलियनर्स इन इंडिया, भारत में अरबपतियों की संख्या एकदम बारिश आ गई, और दुनिया में जो अलग अलग देशों के पास बिलियनर्स हैं भारत में वो छठा नंबर हो चुका है, 56 बिलियन, ये डॉलर बिलियनर्स है, रुपये बिलियनर्स नहीं, मतलब जिनकी संपत्ति $1 अरब से ज्यादा है, यानी 50 करोड़ रुपए, और इनकी कुल संपत्ति 56 लोगों की ये देश के जीडीपी का 10% से ज्यादा हो चुकी है, थोड़े से मुट्ठी भर लोग के पास इतनी संपत्ति है। और उसके अलावा एक और कैटेगरी अखबारों में आती है, वो बोलते हैं बहुत अमीर, अल्ट्रा रिच, अति अमीर। तो जो अति अमीर हैं, वो स्लाइड में थोड़ी गड़बड़ है, यानी जिनकी संपत्ति 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो अति अमीर कहलाते हैं, उनकी संख्या है 60,850, और अब इसमें बिलियनर भी आ गए, और ये जो 8,000 लोग हैं इनकी संपत्ति इस देश की जीडीपी का 50% है, 8,000 लोग इस देश की कुल जीडीपी का 50% कंट्रोल करते हैं, इतना इस देश में एक तरफ संपत्ति अर्जित हो चुकी है। और दूसरी तरफ हालत यह है कि इस देश के लगभग 70% लोग, 75% शहरी लोग, ग्रामीण लोग, और 65% शहरी लोग, वो जो किमान इन्होंने तय किया हुआ है कि कम से कम इतना भोजन आदमी को खाना चाहिए कि स्वस्थ रहे, ये आंकड़ा
2200 किलो कैलोरीज है और शहरों के लिए 2100 है। 2200 और 2100 कैलोरीज ये असल में स्टार्वेशन डाइट है, मतलब आप किसी तरह से हेल्दी डाइट नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, मिनिमम की आप एक मिनिमम डाइट खा रहे हैं जिंदा रहने के लिए। इस देश के इतने लोग उससे कम खाते हैं, ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी सर्वे का नतीजा है, उसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे। इस देश के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार है और ये दुनिया का एक तिहाई है, इसमें हम नंबर एक हैं एक्चुअली। कितने कुपोषित हैं, कितने गरीब हैं, कितने बीमार हैं, ये असल में यहाँ पर इंडिया शाइन कर रहा है। ये तो जानते ही आप कि 40% से ज़्यादा बच्चे 8वीं पास नहीं करते, और ये वो आंकड़ा है उन बच्चों का जिन्होंने क्लास में नाम लिखाया, उनमें से 40% बच्चे 8वीं क्रॉस नहीं करते स्कूल की हालतों के चलते या गरीबी के चलते। जिन लोगों ने नाम नहीं लिखाया वो इस आंकड़े में है ही नहीं। आप बाकी आंकड़े देख सकते हैं, 3 लाख, 1/4 दुनिया में जो टीबी से लोग मरते हैं सालाना, उसमें 1/4 इस देश में मरते, 1/4 जो बच्चे मरते हैं उसकी संख्या भारत में है। अभी तक 40% लोगों को बिजली नहीं पहुंची, ये बिजली घर बनाते चले जा रहे हैं लेकिन गरीबों को बिजली नहीं मिलती, सारी बिजली मॉल्स और वो 24 आवर एसीज में चली जाती है, अमीरों के लिए है सारी व्यवस्था। तो देश इतनी तेजी से अमीरी गरीबी में बढ़ता चले जा रहा है, ये उसके कुछ आंकड़े हैं। लेकिन जो पहले वाले स्लाइड में जो लोग थे, जो टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स और सब कंट्रोल करते हैं और उनके चाटुकारों को मोटी मोटी सैलरीज देते हैं, वो सब यही ये आंकड़ा कोई नहीं बताता। कभी कभार किसी अखबार में एक आंकड़ा आ जाएगा, उसके बाद कई दिन तक उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगा। ये आंकड़े कोई नहीं बताता, यदि ये आंकड़े रोज फ्लैश होने लगे तो आपके सामने देश की सच्चाई आ जाएगी, ये बताते ही नहीं। तो ऐसे में हमको भी लगने लगता है कि देश कितना तरक्की कर रहा है, क्योंकि FC कॉलेज रोड पर जब आप जाते हैं तो लगता ही है कि यार बरिस्ता खुल गया, कैफे कॉफी डे खुल गया और बच्चे, पैसे वालों के बच्चे वहां पे घूम रहे हैं, लगता है कि सब ठीक ही। अब थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़े, प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने हमारा पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है कि विकास मतलब GDP ग्रोथ, डेवलपमेंट इज इक्वल टू GDP। असल में यह फ्रॉड है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के बाद सच्चाई यह है कि जितना GDP ग्रोथ हो रहा है उतना ही गरीबी बढ़ रही है। इट इज नॉट अ मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, उसका कारण आगे आप समझ लेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है, GDP का मतलब होता है उस साल कुल मिलाकर पिछले साल की तुलना में उद्योगपतियों ने कितना उत्पादन किया और बढ़ाया और नफा कमाया, यानी ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर इज GDP ग्रोथ। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को घर मिले कि नहीं मिले, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लोगों को पानी मिला कि नहीं मिला, ग्राउंड वाटर स्कैसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ा कि कम हुआ, ये उसका मानदंड नहीं है। ये इतना ही नापता है कि पूंजीपतियों ने सामान कितना बेचा या उनका प्रॉफिट कितना बढ़ा। तो यदि ACs ज्यादा बेच दिए क्योंकि अमीरों के पैसे बढ़ गए तो GDP बढ़ जाएगा, कारों पर टैक्स कम कर दो और वो SUVs और सिडान्स और वो बड़ी बड़ी कारों की बिक्री बढ़ जाएगी तो GDP बढ़ जाएगा। या कोई इंडस्ट्री है, उसने पूरे इलाके की जमीन कब्जा करके गांव वालों को हकाल दिया, गांव वाले वैसे भी GDP को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं क्योंकि बेचारे जो उत्पादन करते हैं खुद ही खा जाते हैं, तो उससे कुल देश का प्रॉफिट नहीं बढ़ा ना, गांव वाले ने उत्पादन किया, तो उनको हकाल दो, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनी खोल दो, वो माइनिंग कर रही है, पूरा इलाका तबाह कर दिया। लेकिन माइनिंग हुई, उससे कोयले का उत्पादन हुआ और वो निर्यात हुआ तो GDP बढ़ गया। तो इसीलिए GDP ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट, और इसीलिए अब कई अर्थशास्त्री GDP ग्रोथ के अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह जैसे आंकड़े देते हैं जिसमें नापते हैं कि वाकई इस देश में शिक्षा की क्या हालत है, कितने लोगों को इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि आप वो आंकड़े देखेंगे, वो आंकड़ा यहां नहीं दिया है क्योंकि कितने आंकड़े दें, उसमें भारत दुनिया के सबसे नीचों में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। GDP ग्रोथ रेट अच्छा लगता है, क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसे में अब एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, वो आप में से कोई भी बाद में सवाल पूछ भी सकता है लेकिन पहले ही ले लें कि जब इतनी गरीबी है तो सामान बेचें किसको,
समस्या आएगी ना भाई, उद्योगपति का काम है सामान बनाकर बेचना, तो यदि भयंकर गरीबी है तो सामान बेचे कैसे? तो ऐसे में सामान नहीं बिकेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया था पिछले कुछ सालों से कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियली पूंजीपतियों का नफा बढ़ाने की कोशिश की। यानी कैसे किया? बैंकों पर जोर डाला कि क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा लोन्स दो, हाउसिंग लोन बढ़ाओ, कार लोन्स बढ़ाओ। तो इस तरह से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लासेस को खूब लोन दिए गए, उन्होंने घर खरीदे तो शहरों में बूम आ गया। आपको मालूम होगा पुणे में कितने घर खाली हैं, लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदे हुए हैं, वो रहने के लिए नहीं। गरीब लोग अपना झुग्गी झोपड़ी में ही रहते, लेकिन जीडीपी बढ़ गया ना, आर्टिफिशियली लोन दिया बैंकों से और लोगों को घर बेचा, कारें बेची। या फिर उन्होंने ऐसे किया कि बड़े पैमाने पर आपने नेचुरल रिसोर्सेज जो जमीन के नीचे थी, जो हम आप सबकी मिल्कियत है, वो उन्होंने पूंजीपतियों को ट्रांसफर कर दी। गैस दे दिया, कोयला दे दिया, 2G दे दिया, वो सब उन्होंने जम के जमीन से निकाल कर नफा कमाना शुरू किया। अरबों रुपए उन्होंने कमाया, हमारी आपकी संपत्ति का उन्होंने कमाया, उससे भी जीडीपी बढ़ गया। तो इस तरह से आर्टिफिशियली किसी तरह से ग्रोथ को बूस्ट देकर, जीडीपी ग्रोथ रेट हाई था। इस पे आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो हमारी पुस्तिकाएं हैं, इंडिया बिकमिंग अ कॉलोनी अगेन, भारत पुनः गुलामी कड़े, उस पर इस पे थोड़ी ज़्यादा चर्चा है, आप वो देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने आर्टिफिशियली ग्रोथ रेट को इंजेक्शन दिया, स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया। अब स्टेरॉयड इंजेक्शन कब तक चलेगा? तो यही कारण है कि जम के ग्रोथ रेट बढ़ा, 8% 9% पहुंच गया, सब बड़े खुश हो गए, वाह क्या ग्रोथ रेट है। लेकिन जब आप पूंजीपतियों को ये सारे स्टेरॉयड जबरदस्ती देश की संपत्ति ट्रांसफर करोगे ताकि उनका नफा दिखे और जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़े, तो वो सारे ट्रांसफर में से कुछ कानूनी था, जैसे रिलायंस को गैस दिया तो वो कानूनी है, कागज पर ट्रांसफर किया, कुछ गैर कानूनी था। तो वो जो गैर कानूनी ट्रांसफर किया वो सब कुछ उनमें से प्रकाश में आ गए, उस पर हल्ला मचने लगा, वो स्कैम्स कहलाए। स्कैम का मामला और कुछ नहीं है, स्कैम का मामला इतना ही है कि देश की संपत्ति को उद्योगपतियों को ट्रांसफर किया जा रहा है, कानूनी गैर कानूनी सभी तरीकों से। कुछ घोटाले पकड़े गए वो घोटाले कहलाए, कुछ कानूनी किए क्योंकि कानून अलाउ करता है कि गैस बेच दो, पानी बेच दो वगैरह वगैरह, तो वो घोटाले कहलाए। लेकिन ये सब ट्रांसफर्स के बावजूद पूंजीपतियों को, वो जो मराठी में शब्द है ना, अवाढव्य संपत्ति ट्रांसफर करने के बावजूद, खूब ज्यादा संपत्ति ट्रांसफर करने के बावजूद भी अंत में कितना ट्रांसफर करोगे? कई घोटाले प्रकाश में आए, हल्ला मचना शुरू हुआ, तो थोड़ा प्रोसेस थमा और उसके चलते जीडीपी ग्रोथ रेट गिरने लगा। पिछले 3 सालों से आप देखेंगे 0 से 3% के बीच में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वाकई उद्योग में कितना उत्पादन बढ़ा, IIP उसको बोलते हैं, वो पिछले साल माइनस में चला गया गिरते गिरते। ये चार्ट का जो आखिरी हिस्सा है ये 2010 से शुरू हो रहा है, आप देख रहे हैं कि गिरते गिरते अब माइनस में चला गया। तो ये इंडेक्स नापता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितना प्रोडक्शन बढ़ा, उसको बोलते हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में कई कैटेगरीज है, उसमें से एक कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैन्युफैक्चरिंग का -8% ग्रोथ रेट है, यानी पिछले साल एक्चुअली गिरा उससे पिछले साल की तुलना। तो ऐसे में जब घोटाले पकड़ में आने लगे, ट्रांसफर्स का संकट पैदा हो गया, प्रोडक्शन ग्रोथ रेट गिरने लगा, तो पूंजीपति चिंतित होने लगे कि भैया नफा बढ़ नहीं रहा है। देखिए, पूंजीपति और आप सामान्य जन का सोचने का नजरिया अलग अलग है। पूंजीपति को इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसका इस साल कितना करोड़ का नफा हुआ। आप सोचते हैं कि 50,000 की सैलरी होगी, वाह ठीक ठाक चल रहा है, या 20,000, या सामान्य आदमी होगा 10,000 में मिल गया तो खुश। महंगाई नहीं बढ़ी तो आप 10,000 में भी खुश रहेंगे, लेकिन पूंजीपति ऐसा नहीं सोचता। उसकी दिलचस्पी है, किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लीजिए वो बता देगा, उसकी दिलचस्पी है कि नए साल में पिछले साल की तुलना में नफा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, ये उसका केंद्रीय बिंदु रहता है सोचने का। मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी होंगे इस बात को समझते हैं, वही उनको पढ़ाया जाता है। तो पूंजीपतियों का जब नफा बढ़ना कम हो गया, बल्कि उत्पादन गिरने लगा, नफे का दर गिरने लगा, तो उनको लगा कि यार यूपीए जो है वो ढंग से मैनेज नहीं कर रही इकोनॉमी, ट्रांसफर्स कम हो गए,
तो ऐसे में एक नया सितारा उभरने लगा मोदी, जिसने काफी सफलतापूर्वक गुजरात में पूंजीपतियों को थोक भाव से जमीनें, संपत्ति, कंसेशन दिए थे। क्लासिक उदाहरण अडानी है, जो 80 के दशक में स्कूटर में घूमता था, अब उसके पास 3 हेलीकॉप्टर है, 3 हवाई जहाज है, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से हो चुका है मात्र 2-2.5 दशकों में। काफी उदारतापूर्वक ट्रांसफर हुआ है ना। और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मोदी के रिजिम में हुई है पिछले 10 सालों में। तो ऐसे में अब उसके किस्से आगे आएंगे। उसने काफी कुछ, मोदी ने गुजरात में पूंजीपतियों की मदद की, तो धीरे धीरे पूंजीपतियों को लगने लगा कि यार यूपीए उतना सफल नहीं हो पा रही, तो क्यों ना मोदी को अजमाया जाए, यदि ये प्रधानमंत्री बन जाए तो शायद ट्रांसफर और अच्छे होंगे। तो ऐसे में पिछले 4-5 सालों से अलग अलग उद्योगपतियों ने गुजरात में जाकर वहां के सम्मेलनों में मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर नाम उछालना शुरू किया। जो मेरे को जो थोड़े बहुत लेख मिले उसमें 2009 में पहली बार, शायद पहली बार या उसके पहले भी होगा मैं नहीं जानता, लेकिन गुजरात सरकार एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज करती है पूंजीपतियों का, उसको बोलते हैं वाइब्रेंट गुजरात। तो उसमें 2009 में अनिल अंबानी और सुनील मित्तल दोनों ने खुलेआम मोदी को सपोर्ट करते हुए बोला, पढ़ने में आ रहा है कि मतलब मोदी को प्राइम मिनिस्टर के लिए सपोर्ट किया, और उनको सपोर्ट करते हुए टाटा ने यह स्टेटमेंट दिया, क्योंकि टाटा का तब तक नैनो कारखाना गुजरात में लग चुका था। टाटा ने बोला कि नैनो की जमीन आमतौर पर मैं किसी दूसरे राज्य में जाता तो 6 महीने लग जाते लैंड ट्रांसफर होने में, गुजरात सरकार ने वो 6 महीने का काम सिर्फ 2-3 दिन में कर दिया, इतना क्विक किया, बहुत एफिशिएंट ना, वेरी गुड। तो इसीलिए भाई ये आदमी काबिल है, क्या ट्रांसफर करता है हमको पैसे, तो इसको दिया जाए। इसमें यह नहीं बोला कि उसके साथ साथ टाटा को उसने 33,000 करोड़ रुपए सब्सिडी भी दी थी, जमीन तो जमीन सब्सिडी भी थी, वो आंकड़ा आगे आएगा तो मैं भी ज्यादा नहीं बता रहा। तो 2011 में अगले वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुकेश अंबानी बोला कि गुजरात एक सोने के दिए के जैसे चमक रहा है, और उसका जो श्रेय जाता है वो मोदी के इतने शानदार लीडरशिप को जाता है। तो 2013 में फिर वो अनिल अंबानी, उसका छोटा भाई, भाइयों में झगड़ा भले ही हो लेकिन इन मुद्दों पर सहमत है क्योंकि दोनों को नोट कमाना है, उसने मोदी को बोला ये राजाओं का राजा है। और ऐसा ही सम्मेलन था, सारे पूंजीपति बैठे हुए थे, सबको बोला भाई खड़े होकर तालियां बजाओ, तो सब खड़े होकर तालियां पीटे उसके लिए। ये तो हालत है। तो मतलब मेरा ये कहना था कि देश के उद्योगपतियों के बीच में एक कंसेंसस बन रहा था कि एनडीए को और मुख्यतः मोदी को प्रोजेक्ट किया जाए प्राइम मिनिस्टर के लिए। और ऐसे में उन्होंने जम के चंदा दिया, आपको मालूम ही होगा कॉर्पोरेट डोनेशंस तो पता नहीं चलता इस देश में, और हजारों करोड़ रुपए, मतलब इस बार जो चुनाव हुए थे, कई लोगों ने जो आप में से जो पढ़ते होंगे नेट अखबारों में आया है, नेट पे आया है कि अमेरिका टाइप इलेक्शंस हुए, क्योंकि अमेरिका में बेसिकली मीडिया कंट्रोल्ड इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे मीडिया ब्लिट्स होता है, अरबों डॉलर पैसा खर्च किया जाता है चुनाव प्रचार में, दोनों पार्टियाँ पूंजीपतियों से पैसे लेकर खर्च करती हैं, जनता अपने घर बैठ कर टीवी देखती है, डिबेट्स देखती है, फिर किसी को वोट दे आती है। तो यहाँ पर वही हुआ, 3D मतलब हाईटेक क्या बोलते हैं उसको, रैलीज, और पूरा सोशल मीडिया पर एक पूरा लोग बताए कि क्या टीम बनाकर जम के प्रचार, और सैकड़ों की संख्या में रैलीज, बसों में भर भर को लोगों को ले जाया गया रैलीज में माहौल बनाने के लिए, मीडिया पर जम के टीवी प्रोपेगेंडा, खरीदे गए टाइम स्लॉट्स, और क्या क्या दिया गया मालूम नहीं, लेकिन आप जानते ही होंगे दिन भर तो मोदी की रैलीज ही टीवी पे दिखाते थे। हर शहर में सैकड़ों बैनर्स बड़े बड़े, यानी हजारों कोटी का खर्चा किया गया। पहली बार यहाँ का चुनाव में हर समय पैसा खर्च होता है, बड़ी पार्टियां खर्च करती हैं, इस बार तो बीजेपी ने पूरा माहौल ही बदल दिया। और वो मीडिया, इंग्लिश में एक शब्द चलता है मीडिया ब्लिट्सक्रीग, मतलब वो जो मीडिया जिस तरह से, मतलब ब्लिट्सक्रीग शब्द आया जैसे हिटलर ने एक ब्लिट्सक्रीग किया था, रातों रात पूरे यूरोप को खा गया था, उसी तरह से एक पूरा मीडिया ब्लिट्सक्रीग किया गया। इतना जम के प्रचार किया गया कि हर आदमी को लगने लगा
गांव में हम लोग अभियान चला रहे थे तो जुन्नर की टीम बता रही थी मेरे को कि गांव वाले बोले कि मोदी आएगा तो भैया खाद का दाम आधा हो जाएगा। मतलब प्रचार कहां कहां पहुंचा, दूर दराज तक पहुंचा, लोगों को सपने बेचे गए और मोदी चुनाव में जीता। तो मोदी नहीं जीता है, कौन जीता? कंपनियां जीती। अंबानी और टाटा और बिरला सभी सहमत थे कि अब नेतृत्व बदला जाए, शायद ही ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा चतुराई से संपत्तियां ट्रांसफर करेगा और ये जो ट्रांसफर करेगा शायद वो कोर्ट में ना फंसे, तो किया। अब जो बजट है या जो पॉलिसीज दो महीने में आई उसका विश्लेषण करने के लिए मैं मूलतः दिखाना ये चाहता हूं कि हमारे बजट का एक केंद्रीय पहलू रहा है। हर बजट में आप में से जो लोग थोड़े अर्थशास्त्र के स्टूडेंट्स हैं वो समझते होंगे कि बजट का केंद्रीय पहलू रहा है फिस्कल डेफिसिट। आप अखबार जो भी पढ़ते होंगे हर बजट में वो चिंता होती है कि भैया देश का खर्चा बहुत बढ़ गया है, सब हाय हाय छाती पीटते हैं कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं देश के गरीबों के ऊपर, और सरकारी खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि देश का घाटा, बजट घाटा या वित्तीय टूट, फिस्कल डेफिसिट उसको बोलते हैं, यानी एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यूज, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको कम करना है। पिछले दो दशकों से हर सरकार जो केंद्र में आती है उसके बजट का केंद्रीय पहलू बन गया है कि देश का वित्तीय टूट कम कैसे किया जाए, और उसके पीछे लंबी चौड़ी इकोनॉमिक थ्योरीज दी जा रही हैं कि वित्तीय टूट ज़्यादा होता है तो पूंजीपतियों के पास पैसा नहीं बचता क्योंकि सारा पैसा सरकार ले लेती है, उसके चलते वो निवेश नहीं कर पाते, उसके चलते GDP नहीं बढ़ता, वगैरह वगैरह वगैरह। आप में से जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो जानते ही होंगे ये सब बकवास, सॉरी बकवास नहीं है लेकिन है असल में, और वगैरह वगैरह, लेकिन ये सारा सब पढ़ाया जाता है। तो उसको समझने के लिए ये बजट का केंद्रीय पहलू है और पूरी पॉलिसीज का वो ओरिएंटेशन है। फिस्कल डेफिसिट के मुद्दे से मेरे को लगा कि बहुत आसानी से बजट समझाया जा सकता है या नीतियों को समझाया जा सकता है कि कैसे नई सरकार पहले वाले की कंटिन्यूएशन है, कुल मिलाकर देश में क्या हो रहा है चाहे जो भी सरकार हो। तो वो समझाने के लिए इस पहलू से हम समझने की कोशिश करें सिंपल करके। तो इसलिए सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट क्या होता है वो देख लिया जाए। फिस्कल डेफिसिट, आज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट घाटा, मतलब बात वही हो गई है, असल में एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है लेकिन सामान्य आदमी के लिए आज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट। बेसिक मामला ये है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब है वित्तीय टूट, उसको मराठी में बोलते हैं, कि सरकारी खर्चे माइनस सरकारी आमदनी, राइट। आमदनी में क्या क्या आया? टैक्स जो आप देते हैं, टैक्स में दोनों आ गए, जो आप सामानों पर टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जो इनकम टैक्स देते हैं ये कॉरपोरेट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो जो सरकार की आमदनी है मतलब रिसिप्ट जो है उसमें एक हुआ टैक्स की आमदनी और दूसरा हुआ जो सरकार टैक्स के अलावा जो पैसा इकट्ठा करती है, जैसे उसने पब्लिक सेक्टर के शेयर्स बेचे तो आमदनी हुई है ना, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जब सरकार को डिविडेंड देती है, या सरकार ने किसी को लोन दिया उससे जो इंटरेस्ट आया, तो या जब सरकार 2G स्पेक्ट्रम बेचती है तो जो सरकार की आमदनी हुई, तो ये सारी आमदनियां नॉन टैक्स रिवेन्यूज हो गए। तो कुल मिलाकर सरकारी खर्चे माइनस सरकारी खर्चे माइनस सरकारी आमदनी, और आमदनी में सरकार का एकूण खर्चा, कुल खर्चा उसमें आता है, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, राइट। तो यहां पर इतना ही मैंने बताया कि पिछले 24 सालों से, जब से नरसिम्हा राव की सरकार आई, मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव की, तब से हर केंद्रीय सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, फिर वाजपेयी की रही हो, फिर मनमोहन सिंह की रही हो, और उसके बाद फिर अब मोदी की रही हो, ये सारी सरकारों का बजट का केंद्रीय पहलू रहा है कि फिस्कल डेफिसिट हमको कम करना है। आंकड़े भी दिए हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसे इन्होंने तेजी से फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश की है। 2011-12 में 5.7% था, वो पिछले साल 4.5% पे ले आए नेक्स्ट, और उसके बाद इस साल का जो चिदंबरम ने बजट प्रस्तुत किया था, इंटरिम बजट था ना, उसमें उसने घोषणा की कि इस साल हम एक ज़्यादा कठिन टारगेट रख रहे हैं, नया चैलेंज, फिस्कल डेफिसिट और कम करके 4.1% पे लाएंगे। और जब जेटली की ने बजट प्रस्तुत किया मोदी की सरकार में, तो उसने कहा भाई चिदंबरम ने जो टारगेट सेट किया है मेरे को भी उसी का
पालन करना पड़ेगा, बल्कि मैं उससे एक कदम आगे जाऊंगा और अगले दो सालों में और कम करके 3.6% पे ले आऊंगा। तो यानी बजट का जो सेंट्रल फीचर है वो कंटिन्यूएशन में है, कंटिन्यूटी में है। सभी यही बोल रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट हम कम करने की कोशिश करें। और जैसे ही जेटली का बजट आता है, अखबारों में मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आता है ताली पीटते हुए कि भाई जेटली का बजट की मैं प्रशंसा करता हूं कि वो भी इस देश का फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रहा है। यानी कुल मिलाकर जो अभिजीत ने रखा ठीक ही बात है, बजट का कॉपी पेस्ट था। पीछे आज आखिरी मुद्दा यह है, आज हर इकोनॉमिस्ट जो भी वेल नोन का मतलब है जो अखबारों के दुनिया में एकेडमिक वर्ल्ड में जो कोई भी जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट है, सिवाय उन अर्थशास्त्रियों के जो काफी विद्वान भी हैं लेकिन रिबेल इकोनॉमिस्ट हैं जैसे अमित भादुरी, लेकिन बाकी जितने अर्थशास्त्री जो सरकार के आगे पीछे घूमते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठते हैं और बड़े बड़े पोस्ट लेते हैं वगैरह वगैरह, हर अर्थशास्त्री हर मैनेजमेंट का गुरु हर एक इस बात से सहमत है कि वित्तीय घाटा सरकार को कम करना चाहिए। यह आज इतना एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है कि कोई उस पर सवाल उठाए जैसे हम उठा रहे हैं तो लोग बोलेंगे आप पागल। रियलिटी यह है कि यह सरासर झूठ है। आपको खाली एक तथ्य बता दें, 91 के पहले, ग्लोबलाइजेशन के पहले, भारत सरकार फिस्कल डेफिसिट की चर्चा नहीं करती थी। फिस्कल डेफिसिट की चर्चा 91 में शुरू हुई जब भारत सरकार ने विश्व बैंक से कर्जा लिया और विश्व बैंक की कर्जे की एक शर्त थी कि आप फिस्कल डेफिसिट कम करोगे। अब इस पर और थोड़ा बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बता दूं, जब ये फिस्कल डेफिसिट का इतना हल्ला मचा रहे हैं, ये फ्रॉड क्यों है, एक आंकड़े ही बताते हैं। भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट अमरीका और जापान से कम है, उसे आधा है। तो किस बात का ज्यादा है? वो देश ये पॉलिसी अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते? जापान मंदी में चल रहा है, ग्रोथ रेट 0% के आसपास है, तो सरकार लगातार खर्चे बढ़ाकर स्पेंडिंग प्रमोट करके किसी तरह से मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि जापान का फिस्कल डेफिसिट 10% पहुंचा हुआ है। कोई जापान को नहीं बोलता कि तुम अपना फिस्कल डेफिसिट कम करो। अमेरिका अभी फिर कम करना शुरू किया है, फिर दोबारा बढ़ जाएगा जैसे ही मंदी आएगी। अमेरिका 2008 में जब मंदी वहां पे हुई, इकोनॉमी कोलैप्स की, आपने जानते हैं ना, वो जब सारा स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ, तो अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट 10% क्रॉस कर गया था। तो वो सारे देश जो हमको उपदेश देते हैं खुद उसका पालन नहीं करते, यानी झूठ बोल रहे हैं ना। दुनिया का नॉर्म तो एक ही होगा। नेक्स्ट, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि भारत का फिस्कल डेफिसिट अमेरिका से भी ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी यही कहती है, वो नहीं जो आप आज पढ़ते हैं। 1930s में कीन्स, जो 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता है, उसने ये थ्योरी दी थी कि कोई भी इकोनॉमी जिसमें गरीबी बेकारी हो, वो इकोनॉमी में सरकार यदि ज्यादा खर्चे करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे तो वो बुरा नहीं है, अच्छा है। हमें उतना टाइम नहीं है कि वो इकोनॉमिक समझाऊं, काफी सिंपल है, लेकिन कीन्स ने ये 1930s में थ्योरी दी थी। आज तक कोई ये नहीं बोलता कि कीन्स ने गलत कहा। नेक्स्ट, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी जब कीन्स ने थ्योरी दी, उस समय महामंदी चल रही थी अमरीका में, ग्रेट डिप्रेशन था, तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान और वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सारी सरकारों ने कीनीशियन इकोनॉमिक्स फॉलो की, गरीब देशों ने भी और अमीर देशों ने भी। ये कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी थी। और उसके बाद नेक्स्ट, यानी ये स्टैंडर्ड पॉलिसी थी। उसके बाद क्या हुआ, 1980s में पश्चिमी देशों में मंदी गहराई, दोबारा मंदी है। अब उतना इकोनॉमिक्स तो नहीं बात हो सकती, लेकिन वहां पर जिसको एक
कंटिन्यूअस ग्रेजुअल मंदी बोलते हैं, ग्रोथ रेट गिरने लगा अमेरिका और यूरोप का, और आजकल 1%, 2%, 3% के आसपास है। तो जो इकोनॉमी स्लो कर गई, यानी पूंजीपतियों का नफा बढ़ना ठहर गया, उतना तेजी से बढ़ नहीं रहा था, तो ऐसे में वहां के अर्थशास्त्री, उनकी टीम, मिल्टन फ्राइडमैन मशहूर है उसमें, वो और उनके साथियों ने एक नई इकोनॉमिक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने वापस फिस्कल डेफिसिट बुरा है ये कहना शुरू किया। लेकिन ये कहते हुए किसी ने ये नहीं कहा कि कीन्स गलत है, उन्होंने इतना ही कहा कि फिस्कल डेफिसिट बुरा है, सरकारों को फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए, और उस बहाने मतलब पूरा मिलीभगत था सरकारों का और इकोनॉमिस्ट का। सरकारों ने क्या किया, क्योंकि पूंजीपतियों का नफा नहीं बढ़ रहा था, तो सरकारों ने जो जनता पे सरकार खर्चा करती है अमेरिका में भी, उसमें कटौती करके वो पैसा पूंजीपतियों को ट्रांसफर करना शुरू किया, ताकि पूंजीपतियों का नफा बढ़ जाए। जनता को जो खर्चों में कटौती की, यानी जनता के खर्चे में कटौती, मतलब अमेरिका में आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, ये मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है बूढ़े लोगों को, यूरोप में तो और भी ज्यादा वेलफेयर है, तो वो सारे वेलफेयर सर्विसेज में कटौती की, यानी सरकार ने जो खर्चे करने थे वो कम किए, और उस तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए, और कहा कि ये हम इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। लॉजिक समझ गए? तो ये जो खर्चे थे गरीबों पर, इसको नाम दिया गया सब्सिडी, कि गरीबों को हम दान दे रहे हैं, भैया दान बहुत बुरी चीज है, नहीं देना चाहिए। और उधर जब ये पैसा अमीरों का ट्रांसफर किया, तो उसको किसी ने सब्सिडी नहीं बोला, उसको वो बोलने लगे ये इंसेंटिव है, प्रोत्साहन है अमीरों का, कि उनके पास पैसा और होगा तो वो और इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब वो फ्रॉड किधर है वो मैं उतना टाइम नहीं है बताने का। तो अमीरों को पैसा दोगे तो उससे इकोनॉमी बढ़ेगी, इसके लिए एक पूरी इकोनॉमिक थ्योरी रची गई, उसको बोलते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। अमीरों को पैसा दो, वो और खर्चा करेंगे। अरे भैया, जिसके बैंक में वैसे ही अरबों डॉलर पड़ा हुआ है वो खर्चा करता ना, वो खर्चा इसलिए नहीं कर रहा है कि डिमांड नहीं है, तो और पैसा दोगे तो कहां से इन्वेस्टमेंट कर देगा। लेकिन मामला वो नहीं है इन्वेस्टमेंट का, मामला ये था कि पूंजीपतियों को पैसा ट्रांसफर करना था, ताकि पूंजीपतियों का नफा बढ़े, उनके पैसे बढ़े। तो बेसिकली ये थ्योरी दोबारा क्रिएट की गई, और ऐसे में गरीबों के खर्चों में, यूरोप और अमेरिका में भी खर्चों में कटौती होने लगी। हालांकि उनके यहां जब खर्चों में कटौती की हम बात करते हैं, तो भारत से कोई तुलना नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि अभी भी उनके यहां गरीबों पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन पहले उससे भी ज्यादा होता था। और ये थ्योरी जब आ गई, तो जैसे ही जागतिकरण जिन जिन देशों में शुरू हुआ, भारत में 91 में शुरू हुआ, ऐसे में विश्व बैंक ने वही शर्त भारत पे लगाई, जिसका मतलब ये था कि सरकार को भी गरीबों पर खर्चों में कटौती करनी होगी, और वो जो पैसे बचते हैं वो अमीरों को ट्रांसफर करना होगा। तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट की थ्योरी का इतना ही मतलब है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम एक दूसरे तरीके से इसको साबित करने की कोशिश करते हैं, तथ्य इसको सब, बल्कि मेरा ये कहना है कि भारत के बड़े अर्थशास्त्री ये जानते हैं कि ये थ्योरी फ्रॉड है, वो जानबूझकर एक फ्रॉडुलेंट थ्योरी का प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि उनको करना कुछ और है। ये मैं क्यों कह रहा हूं अब साबित करते हैं आगे। हाँ, अब देखिए फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन क्या थी। फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन थी एक्सपेंड खर्चा माइनस आमदनी। तो मान लो कि फिस्कल डेफिसिट कम करना है, मतलब मान लो कि चिदम्बरम और जेटली दोनों सगे भाई हैं, दोनों जो हैं उनकी बात सही है कि भैया फिस्कल डेफिसिट कम करना है। तो ऐसे में फिस्कल डेफिसिट कम करना होगा तो तरीका क्या हुआ, दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो रिसिप्ट बढ़ाओ यानी सरकार की टैक्स आमदनी बढ़ाओ, या फिर खर्चे कम करो, राइट? मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब चलिए पहला मुद्दा लेते हैं कि सरकार खर्चे वाकई बढ़ा सकती है, अपनी आमदनी बढ़ा सकती है क्या? नेक्स्ट, क्योंकि चिदम्बरम और अब जेटली भी ये बोल रहे हैं, आज के अखबार में है, जेटली बोल रहे हैं कि हमारी लो टैक्सेशन सरकार है ना, अखबार में आए चिदम्बरम बोला कि हमारे देश में ज्यादा पोटेंशियल नहीं है टैक्स बढ़ाने का, हम वैसे ही बहुत ज्यादा टैक्स लेते हैं। सच्चाई क्या है?
सच्चाई ये है कि अमीरों से टैक्स लेते ही नहीं, सिर्फ मध्यम वर्ग से लेते हैं। अमीर टैक्स देते ही नहीं, बल्कि अमीरों को हर साल, ये जो मैंने आंकड़ा दिया है टैक्स एग्जेम्पशंस का, इसमें मिडिल क्लास को टैक्स एग्जेम्पशन जो बजट में अनाउंस होता है ना, वो आंकड़ा शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ जो कॉरपोरेट्स को टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता है, टैक्स माफी दी जाती है, और उसके अलावा कस्टम ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज में जो माफी दी जाती है, ये वो आंकड़े। इस साल 5,00,000 करोड़ इतना टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया, 5,00,000 करोड़। नेक्स्ट, और इस साल का टैक्स एग्जेम्पशन 5,00,000 करोड़ इस साल के फिस्कल डेफिसिट जितना है पिछले साल, ये देखिए 5.3 लाख करोड़ इस साल का अमीरों को टैक्स कंसेशन। नेक्स्ट, और इस साल का फिस्कल डेफिसिट 5.08 लाख करोड़ या 5.1। यानी हमारा टैक्स कंसेशन अमीरों को फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा है। तो भैया अडानी को और टाटा को टैक्स कंसेशन उतना मत दो तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा ना, क्यों नहीं करते? सिंपल लॉजिक है। पिछले 9 सालों का आंकड़ा उपलब्ध है, उसके पहले का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पिछले 9 सालों में सरकार ने 36,00,000 करोड़ टैक्स एग्जेम्पशन दिया है या टैक्स माफी दी है कॉरपोरेट्स को। ये कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है। इतना कंसेशन दिया है, मतलब हद ये है। कस्टम ड्यूटीज में इन्होंने जो सोना और गहने इंपोर्ट होते हैं, डायमंड्स इंपोर्ट होते हैं, उस पर माफी दी हुई है अमीरों को, और उस माफी का इस साल का आंकड़ा है 50,000 करोड़, 48,000 करोड़, 50,000 करोड़ लगभग। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख करोड़ इतना उन्होंने अमीरों, अमीर गहने थोड़े सस्ते में खरीदे, वो भी डायमंड और सोने के गहने, उस पर उन्होंने कस्टम ड्यूटी माफी दी है, कानूनी। स्टनिंग है ना? अरे भाई, गहनों में माफी देने का क्या मतलब है? उस पे माफी देते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि हाय हाय सरकार के खर्चे, सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। बढ़ेगा ही ना जब ये माफी दोगे तो। और यही कारण है कि भारत सरकार की टैक्स आमदनी असल में जीडीपी से नापी जाती है एज कंपेयर टू जीडीपी, क्योंकि जितना ज्यादा जीडीपी होगा उतना ही ज्यादा सरकार टैक्स इकट्ठा कर सकती है ना, यानी उत्पादन का परसेंटेज होता है। तो इसीलिए टैक्स को एब्सोल्यूट संख्या में न देखकर टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखा जाता है। बात समझ गए? जीडीपी का मतलब है जितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन पर ही टैक्स लगता है ना। तो इसीलिए जितना बड़ा देश, जितनी बड़ी इकोनॉमी, उतना ज़्यादा जीडीपी। तो ऐसे में सिर्फ टैक्स नहीं देखते, टैक्स टू जीडीपी रेशो देखा जाता है। भारत सरकार का टैक्स टू जीडीपी रेशो दुनिया के ज़्यादातर देशों से कम है। अमीर देश अपने देशों में 36% टैक्स टू जीडीपी रेशो है अपने अमीरों से, उनके अमीर भी बहुत अमीर हैं, उन बहुत अमीरों से भी वो 36% टैक्स, इतना टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं। भारत का वो आंकड़ा 18% है, 18 उसका आधा। अफ्रीका के गरीब देश हमसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करते हैं। तो यानी जब चिदंबरम और जेटली बोलते हैं कि हमारे देश में टैक्स इकट्ठा करने का बहुत मामला नहीं है, जनता बहुत परेशान है, जनता परेशान नहीं है, अमीरों को वो टैक्स माफी दे रहे हैं। चिदंबरम वो बोलता भी है, ये गलती से एक भाषण उसका पब्लिसाइज हो गया जो उसने सिंगापुर में दिया था विदेशियों को। तो विदेशियों को ये बोला कि जो नव विकसित देश हो रहे हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज, मतलब भारत जैसे देश जो हैं, उनमें आप इसलिए आओ क्योंकि यहां पर एक बहुत फेवरेबल टैक्स रिजीम है। फेवरेबल टैक्स रिजीम मतलब यहां पर हम आप पर बहुत कम टैक्स लगाते हैं, इसलिए आप अमेरिका में पैसा लगाने के बदले भारत में आओ क्योंकि यहां पर टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। ये असली मामला है। नेक्स्ट,
तो मेरा मूलतः ये कहना था कि ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं, मैंने दो तरीके बताए थे ना फिस्कल डेफिसिट कम करने के, सरकार आमदनी बढ़ा सकती है, आमदनी के बढ़ाने के बहुत साधन हो गए ना, अब ये आपको आंकड़ों से समझ में आ गया। हार्ड इकोनॉमिक फैक्ट्स ये बताते हैं कि सरकार टैक्सेस बढ़ा सकती है अमीरों पर, जनता की मैं बात नहीं कर रहा, जनता से तो टैक्स वसूलते ही हैं, बल्कि जनता से ही वसूलते हैं, कॉरपोरेट से टैक्स वसूलो, उनसे वसूलते ही नहीं। और यही कारण है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है। यानी मेरा कुल मिलाकर कहना था कि ये झूठ बोल रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए देश को, वो वाकई फिस्कल डेफिसिट कम नहीं करना चाहते, कम करना चाहते तो टैक्स बढ़ा दिए होते ना। चलिए अब दूसरा तरीका लें, दूसरा तरीका मान लो फिस्कल डेफिसिट करना ही है, कम करना ही है, और आप टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते, दूसरा तरीका क्या हुआ, खर्चे कम करो, राइट, तो भी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा ना, फिस्कल डेफिसिट इज खर्चे माइनस आमदनी। बात समझ में आ रही है ना, इकोनॉमिक्स थोड़ा बोरिंग है लेकिन कुछ बातें समझ में आ जाए। तो हर सरकार 91 के बाद से यही कर रही है, खर्चे कम करने हैं, लेकिन खर्चे कम करने के नाम पर असल में वो सिर्फ गरीबों पर खर्चे कम कर रहे हैं और अमीरों पर खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो भैया यदि वाकई फिस्कल डेफिसिट कम करना था तो जो वैसे ही बहुत गरीब हैं उन पे खर्चे कम करने के बदले जो अमीरों को ट्रांसफर कर रहे हो हजारों कोटि, उसके मैं अभी आगे उदाहरण देता हूं, उसमें कटौती कर दो ना, अपने आप ही खर्चे कम हो जाएंगे। तो कैसे ये नेक्स्ट अमीरों पर खर्चे, अब ये टैक्स से अलग हो गया, टैक्स का जो माफी है वो माफी है, वो अलग मुद्दा है। अब ये दूसरे किस्म की सब्सिडी जिसको सरकार इंसेंटिव बोलती है, असल में वो सब्सिडी है अमीरों को, राइट। तो अमीरों को जो सब्सिडी दी जा रही है वो पांच कैटेगरीज में मैंने बांटा है, उनको देखते हैं कि ये अमीरों को किस तरह से सब्सिडी दे रहे हैं। तो यदि इनको वाकई फिस्कल डेफिसिट कम करना था तो ये जो अमीरों को ट्रांसफर किया जा रहा है इसमें कटौती कर दो, लेकिन उस पर कटौती करने का कोई सरकार नाम नहीं लेती। तो कहां अमीरों को ट्रांसफर किया जा रहा है उसके कुछ आंकड़े देखिए। नेक्स्ट, पहला है संसाधनों की लूट। संसाधनों की लूट का मतलब है, देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, गैस कोई अंबानी की तो है नहीं, गैस तो जितनी अंबानी की है उतनी निखिल की भी है या उतनी सुजीत की भी है, बराबर का है, सब देश के नागरिक है ना, यानी देश की संपत्ति। तो देश की संपत्ति जब जमीन से निकाली जाएगी तो उसका फायदा देश को होना चाहिए, यानी सरकार की आमदनी बढ़नी चाहिए, और सरकार उस आमदनी से अपना वित्तीय टूट घाटा कम कर सकती है, राइट। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने देश की संपत्ति अंबानी को और टाटा को और बिरला को और अडानी को लगभग मुफ्त में हैंडओवर करते चले जा रहे हैं, और उसमें हजारों कोटि की सब्सिडी ये अमीरों को दे रहे हैं। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं, गैस का लेते हैं जिसपे बीच बीच में अखबारों में चर्चा हो रही है, जिसपे केजरीवाल ने वो केस भी फाइल किया था। मामला क्या है, इन्होंने अभी एक और गैस फील्ड निकली है, वो केन्स नाम की विदेशी कंपनी है, वो गैस निकालेगी, लेकिन जो घोटाला जो सबसे ज्यादा चर्चित है उसको मैं बहुत संक्षेप में रख दूं, कोई मीडिया हाउस इस पर चर्चा ही करने को तैयार नहीं है, कि तथ्य क्या है कोई बताने को ही तैयार नहीं है, फैक्ट्स उसके। मामला सिंपल है, इन्होंने देश की गैस 2000 में अंबानी को दे दी, देश की गैस मतलब गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वहां पर बहुत बड़ी गैस फील्ड मिली, तो वो गैस फील्ड जो गैस फील्ड ONGC ने खोजी थी और ONGC के पास टेक्नोलॉजी भी है, ONGC सरकारी कंपनी है, तो ONGC के पास पैसा भी है टेक्नोलॉजी भी है वो गैस निकालने के लिए, इन्होंने ONGC जिसने की उस गैस को खोजा उसको देने के बदले वो गैस फील्ड अंबानी को दे दी, एग्रीमेंट ये किया कि जो गैस निकलेगी और अंबानी बेचेगा तो जब तक अंबानी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अंबानी गैस निकालने के लिए कुछ पैसे लगाएगा ना, मान लो उसने 1000 रुपये लगाए, तो जब तक अंबानी के 1500 रुपये वापस नहीं आ जाते, यानी 1.5 times द इन्वेस्टमेंट, 1000 लगाए तो जब तक 1500 वापस नहीं आ जाते तब तक जो गैस से नफा होगा उसका 10% वो सरकार को देगा, राइट। और जब 1500 से ज्यादा आमदनी होने लगेगी, यानी 2000 2500 3000 पहुंच गई,
तो फिर सरकार का परसेंटेज बढ़ता चले जाएगा। इस लॉजिक के तहत उन्होंने अंबानी को गैस दिया। उसके बाद क्या किया, अब अंबानी कितना खर्चा करेगा ये कहीं डिफाइंड नहीं था। तो अंबानी ने दो साल बाद 2004 में, चार साल बाद, सरकार को बोला कि यार हमने 1000 रुपए खर्चा नहीं किया है, हमने तो 5000 रुपए खर्चा किया है। सरकार ने बोला ठीक है हम मान लेते हैं। तो 5000 का मतलब क्या हुआ, अब 7500 तक 10% देना पड़ेगा ना, लॉजिक समझ गए। 1000 था तो 1500 देना पड़ता, 1500 तक चलता 10%, अब 7500 में भी आपको 10% ही दोगे ना। तो सरकार ने बिना इन्वेस्टिगेशन किए कि अंबानी ने वाकई खर्चा बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, अप्रूव कर दिया, जिसके चलते कि सरकार का नुकसान हुआ है 37,000 करोड़। यह आंकड़ा बाहर कैसे आया, जब दोनों भाइयों मुकेश और अनिल में एक झगड़ा हो गया तो अनिल अंबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि मेरा भाई इस तरह से देश को लूट रहा है। उसके बाद सरकारी कमेटी बैठी CAG, उसने भी कहा कि हाँ, जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो यह साबित हो गया, लेकिन उसके बाद मामला सब चुप है, कोई उस पर बोल ही नहीं रहा। हाँ, सब मस्त है, उसको कुछ और कॉन्ट्रैक्ट मिल गए आगे। ये पहला घोटाला, कई घोटाले हैं, मैंने सिर्फ दो घोटालों की चर्चा की है। उसके बाद एग्रीमेंट ये था कि रिलायंस गैस निकालेगा तो बेचेगा ना। अब ज़्यादातर गैस कौन खरीदता है, सरकारी कंपनियाँ खरीदती हैं, ये गैस सप्लाई कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज, बिजली बनाने वाली कंपनीज, राइट। बिजली भी गैस से बनती है, आपको मालूम होगा, यूरिया भी गैस से बनता है। तो सरकार ने रिलायंस से एग्रीमेंट ये किया कि रिलायंस गैस सप्लाई करेगा $2.3 पर यूनिट, यानी एक यूनिट गैस। मैं उतना गहराई में नहीं जा रहा, यूनिट मतलब क्या, मतलब एक इतना गैस रिलायंस उसको देगा सरकार को $2.3 पर, जबकि वही गैस ONGC दे रहा था $1.8 पर। और ONGC यदि 1.8 पे दे रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कम होगा ना, तो कॉस्ट प्राइस था एक्चुअली $1.4। तो $1.4 की हमारी आपकी गैस वो रिलायंस को हैंडओवर कर दी, और ऊपर से रिलायंस को कहा कि भैया 1.4 नहीं, तुम हमको 2.4 पर बेचोगे, तो चलो इतना तो इतना। ऊपर से दो साल बाद रिलायंस ने कहा कि यार दुनिया के दाम बढ़ गए तो हमारी भी गैस के दाम बढ़ा दो। अभी दुनिया के बड़े तो बड़े, सरकार ने अलाउ कर दिया 2.3 से गैस का दाम कर दिया $4.2। और सिर्फ इस लूट के चलते अंबानी को फायदा हुआ है 1.2 लाख करोड़। हमारा आपका गैस हमको ही दे दियो, कोई बहुत टेक्नोलॉजी नहीं लगती, हम भी एग्रीमेंट करके क्या है, करना तो कुछ नहीं है, विदेशी कंपनी से एग्रीमेंट करके निकालना है, निकाल दिया। अब उसके बाद उन्होंने अलाउ कर दिया 2013 में कि उससे भी दुप्पट कर दिया जाए। कैन यू बिलीव दैट, 4.2 का 8.4 पे एग्रीमेंट हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चुनाव आ गए तो रुक गया। अब नई सरकार, चूंकि मामला थोड़ा उछल गया है, तो नई सरकार बोल रही है नहीं नहीं 8.4 पे नहीं देंगे, हम नई कमेटी बिठाते हैं। तो नई कमेटी बिठा दी है, वो अक्टूबर में रिपोर्ट देगी, तो 8 नहीं होगा तो 7 होगा। लेकिन भाई मामला तो ये है कि 1.4 कॉस्ट प्राइस है, इतनी लूट। तो $8 भी अलाउ किया तो एडिशनल फायदा होगा 3 लाख करोड़, यानी सिर्फ कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो गैस है उससे अंबानी को 2 से 5 लाख करोड़ के बीच में फायदा हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट कितना है, 5 लाख करोड़, सिंपल। यदि वाकई फिस्कल डेफिसिट कम करना था तो अंबानी से गैस के पैसे ज्यादा लिए होते ना, कम हो गया होता। नेक्स्ट, अब और घोटाले, मतलब एकदम सिकनिंग है, कच्चे लोहे का, आयरन ओर का घोटाला, ये लीगल है ये भी। पॉस्को अमेरिकी कंपनी से एग्रीमेंट किया, जिस कोयले की दाम, जिस कोयले का इंटरनेशनल प्राइस या मार्केट प्राइस है 7000 रुपए प्रति टन,
उन्होंने एग्रीमेंट किया कि तुमको सिर्फ 10% रॉयल्टी देनी है हमको, कोयला हमारा आपका 10% सिर्फ रॉयल्टी, 10% ऑफ द प्रॉफिट। तो ऐसे में पॉस्को के साथ एग्रीमेंट है कि 600 मिलियन टन कोयला निकालेगी वो, उसमें से कुछ कोयला उड़ीसा में स्टील प्लांट में इस्तेमाल होगा उसका, और कुछ वो साउथ कोरिया एक्सपोर्ट करेगी। तो यदि हम 10% रॉयल्टी सरकार को आमदनी जो होगी उसके बाद पॉस्को का कितना फायदा हो रहा है, यानी डिफरेंस क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस रॉयल्टी, समझ गए प्रॉफिट। तो वो पॉस्को को 3.7 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है अगले 20 सालों में, लगभग 4 लाख कोटी का फायदा। इतना लूट है वो कच्चा लोहा जो देश की संपत्ति है, और ये कानूनी स्कैम है। उसके अलावा जो येडियुरप्पा ने किया कर्नाटका में, जो आंध्रा में हुआ, वो सब इलीगल स्कैम्स है। 3 मुख्यमंत्री अभी तक उसमें फंसे हुए हैं, जेल में कोई नहीं गया है कोरडा को छोड़कर, मधु कोरडा छत्तीसगढ़ वाला, बाकी सब एक तो मंत्री बना हुआ। यानी 3.7 यदि कानूनी घोटाला है, और अखबार ये बताते हैं कि इलीगल माइंस लीगल माइंस से ज्यादा है, यानी इलीगल माइंस में तो 10% रॉयल्टी भी नहीं देनी पड़ रही ना, तो फायदा अंदाजन 10 लाख कोटी के आसपास हो रहा होगा आयरन ओर से, सिर्फ कच्चे लोहे से। नेक्स्ट, कोयला घोटाला जो मशहूर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, जो केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट में चला गया, क्योंकि मतलब ये जल्दीबाजी में तुमने गलती क्या कर दी कि बिना टेंडर निकाले दे दिया ना, मतलब कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हुई तो उसमें पकड़े गए, तो वो घोटाला कहलाया। पहले वाले घोटाले नहीं कहलाते हैं, वो कानूनी है सारा कैसा। तो जो घोटाला पकड़ा गया, वो घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से 1.8 लाख करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्होंने कोयला सस्ते में दे दिया कंपनियों को, और ये सिर्फ टोटल कोल माइंस का 1/4 है। टोटल लगभग 200 कोल माइंस हैं जो एलोकेट की गई, उनमें से 60 का इन्वेस्टिगेशन हुआ, 60 के इन्वेस्टिगेशन में 1.8 लाख करोड़ पकड़ा गया, तो यानी कुल मिलाकर उसे तिप्पट, यानी ये घोटाला भी अंदाजन 5 से 6 लाख कोटी का होगा। हर घोटाला, हमारे देश में छोटे घोटाले नहीं होते, हर चीज लाख कोटी में होती है। और ये तो मैंने सिर्फ 3 मिनरल रिसोर्सेस की बात की, गैस, कच्चा लोहा और कोयला। उसके अलावा न जाने कितनी संपदा ये कंपनियों को, पानी जो हम रोज पीते हैं बॉटल वाटर, आपको मालूम है वो पानी मुफ्त में जमीन से निकालते हैं, उनको पैसा नहीं देना पड़ता। आप टैंकर मंगाते हो तो सोसाइटी में टैंकर 1000 रुपए में, पता नहीं कितने में आता है, 1000-1500 में आता है। ये कंपनियां जमीन से मुफ्त में पानी निकालती हैं और बॉटल करके आपको बेचती हैं, कोक और पेप्सी के नाम पर और किनले के नाम पर फ्री में। उनका कुल बॉटलिंग कॉस्ट जो आंकड़े मिले हैं वो 50 पैसे से कम पड़ता है पर लीटर, और नफा है, बेचते हैं 15 से 20 रुपए लीटर। नेक्स्ट, जमीन दे रहे हैं कंपनियों को, लगभग मुफ्त में जमीनें दे रहे हैं, 1 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के रेट में गुजरात में जमीनें दी गई हैं, उसके आंकड़े दिए हैं, 1000 करोड़ इसमें घाटा हुआ है। नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, अभी अखबारों में चर्चा ज्यादा बड़े पैमाने पर होगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें शहर बसाएंगे, उसमें सरकार सब्सिडी देने वाली है, जापानी कंपनियां वो शहर बसाने वाली हैं, उसमें 1000 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट, उसके अलावा कंपनियों को सीधे पैसे दिए जा रहे हैं इंसेंटिव के नाम पर। तो नैनो कार को जमीन तो 2 दिन में पारित की गुजरात ने, उसके अलावा नैनो कार का कारखाना जो उधर सिंगूर में था ना, वो सिंगूर से जो शिफ्ट किया गया गुजरात में, उसका ट्रांसफर का खर्चा टाटा ने बोला यार मोदी 700 करोड़ होगा, तो मोदी ने कहा मैं दे देता हूं। तो 700 करोड़ ट्रांसफर का पैसा गुजरात सरकार ने दिया, जमीन उसको सब्सिडाइज रेट पर दी,
पाइपलाइन, पानी का पाइपलाइन फ्री, बिजली का लोकल पावर स्टेशन फ्री, 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे फ्री, यानी सब सरकारी खर्चे पर यदि ये सारा जोड़ लिया जाए तो टोटल होता है 33,000 करोड़ रुपीज की सब्सिडी दी है। अगले 20 साल में जितनी कारें वो प्लांट बनाने वाला है, आंकड़ा आता है कि प्रति कार, मान लीजिए कार बेची और सुजीत ने खरीदी, तो सुजीत तो पैसे देगा ही, ऊपर से गुजरात की जनता भी 60,000 रुपए देगी टाटा को, इतनी सब्सिडी है पर कार, 60,000 रुपीज सब्सिडी। नेक्स्ट, पीपीपी, ये एक और घोटाला, आप सुन रहे होंगे आजकल पीपीपी, इसका पूरा मोदी सरकार ने तो थोक भाव से पीपीपी अनाउंस कर दिया। पीपीपी की सरकारी पॉलिसी, पीपीपी मतलब समझते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक का पैसा प्राइवेट की जेब। तो ये पार्टनरशिप नहीं है, पब्लिक प्राइवेट ट्रांसफर, पीपीटी होना चाहिए। तो उसमें सरकार की पॉलिसी ये है कि कंपनी बताएगी कि भैया हम ये हाईवे बना रहे हैं 1,000 रुपए में, तो सरकार की पॉलिसी है कि पीपीपी है इसलिए हम 40 उसमें से 40% 1,000 रुपए आपने, आपके यदि खर्चा करने वाले हो तो उसमें से 400 हम देते हैं, 600 आप दो। नफा किसका? कंपनी का। नफे में 40% नहीं, पीपीपी का ये मतलब नहीं है कि 40% इन्वेस्टमेंट हुआ तो 40% सरकार को वापस मिलेगा। पीपीपी का मतलब है दिस इज आर, हमारी आपको शुभकामनाएं, जैसा नहीं आप जन्मदिन पर भेंट देने जाते हो, तो हाँ गिफ्ट, गिफ्ट, तो ये गिफ्ट है कि आप अरे कितना अच्छा काम कर रहे हो, हाईवे बना रहे हो, अरे इतने पैसे लगा रहे हो, इतना मत लगाओ, हम भी थोड़ा दे देते। तो इन्होंने 40% ऑफिशियल सब्सिडी है, और सरकारी बजट के हिसाब से पिछले साल 2012 के मार्च 31 तक 11th प्लान डॉक्यूमेंट के हिसाब से अभी तक सरकार ने कुल 13 लाख के पीपीपीज अलाउ किए थे। 13 लाख का 40% हो गया 5 लाख कोटी, 13 लाख कोटी सॉरी, तो 13 लाख, यानी ऑफिशियली सरकार ने 5 लाख कोटी बड़ी कंपनियों को पीपीपी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन यही एक नहीं मिलता पीपीपी के नाम पर, पीपीपी के नाम पर कंपनियों को तमाम प्रकार की सब्सिडीज मिलती हैं। 40% तो ऑफिशियल सब्सिडी है, उसके अलावा एक एग्जाम्पल देते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल है, ये जो हाईवे बनते हैं ना बड़े बड़े, तो जो कंपनी हाईवे बना रही होती है, सरकार उसको कहती है कि तुम हाईवे बनाओगे तो हाईवे की बाजू की जमीन को तुम खरीद कर और उस पर टाउनशिप बनाकर बेच सकते हो, ये हम तुमको परवानगी देते हैं। तो दिल्ली आगरा हाईवे के बीच में वो जेपी इंडस्ट्रीज है, उसने बनाया, उसने कहा कि 13,000 कोटी खर्च हुए, तो सरकार ने कहा 5,000 हमारे ले लो, 5,000 कोटी, मतलब एक तो वो सब्सिडी हो गई, ऊपर से जेपी इंडस्ट्रीज को आगरा, दिल्ली आगरा हाईवे के रास्ते पर 2,500 हेक्टेयर जमीन दी गई कि आप इस पे टाउनशिप बनाकर बेच दो। तो उससे जेपी इंडस्ट्रीज का, ये फोर्ब्स जो एक बहुत मशहूर अमेरिकी न्यूज़पेपर है, मैगजीन, उसकी रिपोर्ट है कि उससे जेपी इंडस्ट्रीज को 1.5 लाख कोटी का फायदा हुआ, 1.5 लाख कोटी ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 करोड़। बताइए ये ट्रांसफर्स हो रहे हैं। नेक्स्ट, फिर प्राइवेटाइजेशन सरकारी कंपनियों का, खराब कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं करते, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों का करते हैं। VSNL इन्होंने बेचा टाटा को, VSNL का कंट्रोलिंग स्टेक, मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल टाटा को हैंडओवर किया सिर्फ 1500 कोटी में। एक ऐसी कंपनी जिसका कैश रिजर्व्स बैंक में पैसा था 6,000 कोटी, और जिसके पास इस देश के हर शहर में कई एकड़ जमीन है, यानी लाखों करोड़ की जिसके पास संपत्ति है। आप जानते हैं BSNL है ना, वैसे ही VSL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड, वो BSNL का भाई था, वो फॉरेन कॉल्स का था, BSNL इंडियन लोकल कॉल्स का है, तो फॉरेन कॉल्स वाला, उसके भी ऑफिस वैसे ही थे, आपने BSNL का देखा ही होगा, ये नल स्टॉप पर और हर जगह पे बड़े बड़े ऑफिस है ना, बड़े बड़े शहरों में,
तो उतने हर शहर में प्राइम प्रॉपर्टी बीएसएनएल वीएसएनएल के पास है। इन्होंने बीएसएनएल को सिर्फ 1,500 कोटी में कंट्रोल हैंडओवर कर दिया। एक ऐसी कंपनी जिसके पास बैंक में पैसा था 6,000 कोटी, टाटा ने 2 महीने के अंदर उस 6,000 कोटी में से 1,500 कोटी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। 2 महीने के अंदर कंट्रोल आ जाएगा तो आप कर लोगे ना, दिखा करके हम इस नाम पे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस रूप में हजारों कोटि की संपत्ति कंपनियों को सीधे ट्रांसफर की जा रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर। नेक्स्ट, और सबसे बड़े घोटालों में से एक बैंकों की लूट। गरीब आदमी बैंक डकैती करता है तो जेल जाता है ना, आपको मालूम ही होगा। आप में से जिन लोगों ने स्टूडेंट लोन दिया है सब घबराते रहते हैं कि भैया कब चुकाएंगे कब चुकाएंगे, हाय हाय, सब परेशान रहते हैं ना। बड़ी कंपनियां, छोटे आदमी है तो जेल जाएंगे, बड़े आदमी है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बड़े आदमी है तो लोन दीजिए और मस्त रहिए, सरकार खुद ही माफ कर देगी, यही पॉलिसी है। तो दो तरीकों से लोन माफी हो रही है। पहले एक आंकड़ा, भारत के सारे बड़े उद्योगपति घरानों के ऊपर कर्जा बढ़ता चले जा रहा है, लाखों कोटि का कर्जा पहुंच चुका है, ये आंकड़े हैं उसके। वेदांता, अडानी ग्रुप, जिसको अभी हजारों कोटि नहीं, जमीन एक 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 रुपए स्क्वायर मीटर पर ट्रांसफर की गई है, उनके बैंकों के कर्जे हैं 80,000 कोटि। तो अंबानी का खर्चा है 1,00,000 कोटि कर्जा बैंकों से लिया हुआ, ये चुका नहीं रहे। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है, इन कर्जों को माफ कर रही है। माफ दो तरीकों से करते हैं, एक तो सीधे माफ कर देते हैं कि नहीं चुका पा रहे, राइट ऑफ। उसमें रिजर्व बैंक का गवर्नर ने आंकड़ा दिया है कि पिछले 13 सालों में सरकार ने 2,00,000 कोटि के कर्जे राइट ऑफ किए। इसको अखबारों में आंकड़ा आता है एनपीएस जिसको बोलते हैं, कि पूंजीपतियों के कर्जे वापस नहीं हो रहे फिर सरकार माफ कर रही है, लेकिन असल मामला अखबारों में नहीं आता। असल घोटाला उससे भी बड़ा है, क्योंकि क्या होता है कि जब कर्जा माफ किया तो हल्ला मचेगा ना, अरे भाई कर्जा माफ कर दिया तो यूनियन भी हल्ला मचाते हैं, जनता भी हल्ला मचाती है कि भाई कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने एक और तरीका निकाला होगा, वो तरीका यह है कि कर्जा माफ नहीं करते, कर्जे को क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं। रीस्ट्रक्चर मतलब उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो बैंक क्या करता है, आपका यदि 1,000 रुपये का किस्त है हफ्ता है, तो बैंक कहता है ऐसा करते हैं 10,000 रुपये का नया लोन ले लो, और वो नए लोन लेकर पहले वाले लोन की हफ्ते उससे चुका दो। तो हमारे खाते में क्या जुड़ गया कि आपने लोन चुका दिया और आपको फ्रेश लोन मिल गया। इसको बोलते हैं ब्रिज लोन, ब्रिज। तो पहले वाले कर्जे से ब्रिज होकर नया लोन आ गया, लोन पूंजीपति को एक पैसा नहीं देना पड़ा, ऊपर से ब्रिज लोन के नाम पे कुछ पैसे और मिल गए, और इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। और वो करते हुए ये करते क्या है कि एग्रीमेंट इस तरह से करते हैं कि अच्छा आपकी किस्ती इतनी है 5,000 रुपए की है, तो चलो 3,000 मत चुकाओ यार, 2,000 दे दो। तो ये जो राइट ऑफ हो रहे हैं, इस राइट ऑफ का आंकड़ा है 4,00,000 कोटि, ये फिक्की का आंकड़ा है। फिक्की मतलब जो पूंजीपतियों की संस्था है, उसने कहा है कि भारत सरकार ने अभी तक 4,00,000 कोटि के बैंक लोन रीस्ट्रक्चर किए हैं। उसके आंकड़े देखिए। नेक्स्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गैमन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट शिप बिल्डर एबीजी शिपयार्ड, सुजलॉन एनर्जी, ऑर्किड फार्मा, इनके हजारों कोटि के लोन्स रीस्ट्रक्चर किए गए यानी माफ किए गए। ये आंकड़े हैं, 2,00,000 कोटि लोन राइट ऑफ, 4,00,000 कोटि लोन रीस्ट्रक्चर के नाम पे राइट ऑफ, और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा कि ये तो सिर्फ वो हैं जो एक फॉर्म से किए गए, एक तरीके से किए गए, इसके अलावा और भी तरीके हैं लोन राइट ऑफ करने के। तो थोक भाव से पूंजीपतियों के पैसे राइट ऑफ किए जा रहे हैं, थोक भाव से। नेक्स्ट, तो यदि ये सारे जोड़ लिए जाएं तो देखिए आंकड़ा कहां पहुंचता है। 36,00,000 करोड़ जो हमने शुरू में देखा ना टैक्स माफी, नहीं वो कॉरपोरेट्स को 9 सालों में, इसका घोटाला गैस का,
2 से 5 लाख कोटी, डिपेंड करता है कितना गैस का दाम आप बढ़ाते हैं। कच्चे लोहे का घोटाला 3.7 लाख करोड़, कोयले का 1.8, जमीन घोटाले आगे आगे, DMIC मतलब दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का उतना, टाटा का 33,000 करोड़, PPP का 5 लाख करोड़, और ये एन काउंटिंग से लिखा कि और नए नए प्रोजेक्ट आते चले जा रहे हैं ना। तो ये तो 2012 तक का था। और तो ये मैंने नहीं बताया, सारी कार कंपनियों का सरकार का एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट है सब्सिडी देने का, उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल मिशन प्लान, कि ऑटोमोबाइल्स की क्वालिटी इंप्रूव हो उसके नाम पे सरकार ने 1.6 लाख करोड़ पिछले 10 साल में कंपनियों को सब्सिडी दी है, सारी बड़ी कंपनियों को, फोर्ड और शेवरलेट और जितनी भी भारत में कंपनियां हैं सबको 1.6 लाख करोड़ ऑफिशियल सब्सिडी दी है उनकी कार की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ताकि आप ज्यादा आराम से उसमें चला सके। ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हजारों कोटि, उसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। बैंक लोन राइट ऑफ, मैंने 1 लाख कोटी से दिया है क्योंकि उसमें कुछ लोन उन्होंने गरीबों की भी माफ कर दिए, तो थोड़ा सरकार को छूट देने के लिए कम कर दिया, 1 लाख कोटी चलो पूंजीपतियों का माफ किया, लोन रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो यदि ये सारा जोड़ लो जो घोटाले प्रकाश में आए हैं, जो मैंने गिनाए आपको, सिर्फ जो गिनाए हुए घोटाले हैं ये टोटल कर लेंगे तो ये टोटल होता है 60 लाख करोड़, भारत के जीडीपी का आधे से ज्यादा, 60%, और हमारा फिस्कल डेफिसिट है 5 लाख करोड़, और ये ऑफिशियल ट्रांसफर है 60 लाख करोड़। इसके अलावा SEZ के नाम पे पैसे ट्रांसफर किए हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को 1 रुपए स्क्वायर मीटर पे जमीन दी है, ये सब मंगेशकर वगैरह को आप जानते ही होंगे, टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस 10,000 कोटी माफ की है, क्या क्या न जाने और क्या क्या माफ किया है, अभी वो मैं नहीं गिना रहा। जो ये मैंने 12-13 घोटाले गिनाए हैं, इन 12-13 नोन घोटालों में 60 लाख कोटी रुपए ट्रांसफर हुआ है। तो क्या वाकई ये फिस्कल डेफिसिट के बारे में परेशान है? नहीं है ना। आर दे रियली कंसर्न्ड अबाउट द फिस्कल डेफिसिट? दे आर नॉट। फिस्कल डेफिसिट के नाम पर ये चलेगा क्योंकि ये है इंसेंटिव। और अब वाकई फिस्कल डेफिसिट के नाम पे क्या करते हैं नेक्स्ट? हाँ, मतलब बेसिकली मेरा कहना था फिस्कल डेफिसिट के बारे में परेशान हो तो अमीरों को बोल दो कि भाई जो बीवी के लिए गहने खरीदे थोड़े पैसे चुका दो, कारखाने की जमीन का वो जो जमीन खरीदी आपने कारखाने के लिए उसका मार्केट प्राइस दे दो, यही सब कर दो ना, तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए। लेकिन उसके बदले गरीबों की सब्सिडी पे कटौती की जा रही है फिस्कल डेफिसिट कम करने के नाम पर, और उसको बोलते हैं कि यार फिस्कल डेफिसिट बहुत बुरा है, इसको कम करना चाहिए। जबकि गरीबों पर जो पैसा खर्च करते हैं वो असल में सब्सिडी नहीं है। इकोनॉमिक्स ये बताता है कि गरीबों पर जब आप खर्चा करते हो, यानी इंसान पे खर्चा करते हो जो बहुत बदहाल है, तो उसकी क्षमता बढ़ती है। जब वो स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, खेलकूद सकता है, ढंग का खाना खाएगा, तो वो ज्यादा उत्पादन करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा दिमाग चलेगा, तो ज्यादा क्रिएटिव होगा। और यही कारण है कि दुनिया भर में जो अमीर देश हैं वो अपने गरीबों पर वाकई उन पर सब्सिडी देते हैं, सो कॉल्ड सब्सिडी, उन पर वाकई खर्चा करते हैं ताकि वो ढंग से जिए, और ढंग से जिएंगे तो ही तो समाज आगे जाएगा। यदि आपके आधे बच्चे कुपोषित हैं, भारत का जो आंकड़ा है 50% बच्चे कुपोषित हैं, इसका मतलब है कि उनका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो रहा है। और यदि इंसान का दिमागी क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हुई तो वो कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे रिसर्च करेगा, कैसे कोई कंपनी में नौकरी करेगा, कैसे प्रोडक्टिव होगा? नहीं हो सकता ना। इसीलिए जब गरीबों पे खर्चा किया जाता है तो वो सब्सिडी नहीं होती, इट इज नॉट वेस्टफुल एंड इनएफिशिएंट, वो एक इसेंशियल खर्चा है। और ये कई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आया है यूनाइटेड नेशंस के,
कि कोई भी देश के विकास की शर्त बनती है कि वो अपनी जनता को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि वो ढंग से जिए। वो सब्सिडी नहीं है, ये हम पे एहसान नहीं करते, हमारा हक बनता है कि वो सब किया जाए। और यही कारण है कि बाहर के देशों में वो सारी गरीबों पर खर्चे करते हैं जो हम पे करते नहीं, बेकारी भत्ता देते हैं। बहुत सारे देशों में सारे लोगों को फ्री हेल्थ केयर अवेलेबल है, आप उस देश के सबसे अच्छे अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। यानी आप मंगेशकर में और रूबी हॉल में जाकर फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं, ये आपका हक बनता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में ये सुविधा अवेलेबल है, वहां पे बल्कि रूबी हॉल जैसे अस्पताल है ही नहीं, क्योंकि इस तरह के सारे अस्पताल सरकारी क्षेत्र में। पूरा स्कूल एजुकेशन फ्री है ज्यादातर देशों में, और कई देशों में कॉलेज एजुकेशन भी फ्री है। और वहां पर पॉलिसी ये है कि यदि बच्चा पिछड़ रहा है, पढ़ाई में कमजोर पड़ रहा है, फेल हो रहा है, तो उसके लिए स्कूल जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि आपने बच्चे को ढंग से मेहनत क्यों नहीं की। ये पॉलिसी है। बुढ़ापे में पेंशन मिलता है, जब मां गर्भ महिला गर्भवती होती है तो स्पेशल अलाउंस मिलता है ताकि ढंग से खाना खाए। फैमिली अलाउंस मिलता है कि बच्चे हैं तो बच्चों को आप ढंग से खिलाइए पिलाइए, तो दो बच्चे होंगे या तीन बच्चे होंगे तो स्पेशल अलाउंस मिलेगा पर चाइल्ड, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, ये सारे, और यही कारण है कि विकसित देशों में जो गरीबों पर होने वाला खर्चा है वो उनके जीडीपी का, जबकि उनका जीडीपी भारत से बहुत ज्यादा है, उनका जीडीपी का 30% खर्चा वो गरीबों पर करते हैं, भारत सरकार सिर्फ 7% करती है, सिर्फ 60%। और ये 7% खर्चा करके भी ये बोलते हैं कि हम ज्यादा कर रहे हैं और कम करना चाहिए। 7% क्यों करते हैं? क्योंकि सारा तो अमीरों को ट्रांसफर कर दिया ना। मैंने शुरू में आंकड़ा दिखाया था, याद है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो भारत का बहुत कम है, तो जब आप टैक्स वसूलोगे नहीं तो खर्चा कैसे करोगे? अमीर देश टैक्स भरपूर वसूलते हैं, 40% के आसपास वसूलते हैं, तो ऐसे में गरीबों पर खर्चा भी ज्यादा कर सकते हैं। ये टैक्स वसूलते ही नहीं अमीरों से, और गरीबों पर जो छोटा खर्चा करते हैं उस पर भी हायतौबा मचाते हैं। कैसे हायतौबा मचाने देखते हैं? दो उदाहरण लेता हूं, शिक्षा का लेते हैं। शिक्षा में राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आए हैं, पूरा फ्रॉड है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं है कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे। फ्री शब्द गायब है, सिर्फ एक्ट के नाम में है फ्री। एक्ट का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है पढ़ लीजिए, उसमें इतना ही लिखा है कि बच्चों से ऐसी फीस नहीं ली जाएगी जिससे कि बच्चे स्कूल ना जा सके, यानी फीस ली जा सकती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन जिसमें खूब गाजा बाजा हुआ है वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों में 25% एडमिशन मिल जाएगा। अरे भाई, जिस स्कूल की फीस 2 लाख रुपए है, और आपको मालूम है आजकल प्राइवेट स्कूल्स में 2 से 15 लाख फीस पहुंच चुकी है, जिस स्कूल में फीस 2 लाख रुपए है उस स्कूल में जब गरीब बच्चा जाएगा तो उसका क्या हाल होगा आप कल्पना कीजिए। 3 दिन के अंदर यदि वो स्कूल नहीं छोड़कर आए तो नाम बदल सकते हैं आप में से कई लोग। क्यों? क्योंकि बच्चों से फीस कई नाम पे ली जाती है ना, सिर्फ सरकार ने बोला है ट्यूशन फीस माफ होगी। तो स्कूल में क्या होता है, बच्चों को फीस ज्यादा क्यों लेते हैं? घुड़सवारी होगी बच्चों के लिए, बच्चों के लिए खेल होंगे, बच्चों के लिए कंप्यूटर्स होंगे। गरीब बच्चों को बोलेंगे ये सब तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम पैसे नहीं देते, तुमको पढ़ाई फ्री में कर लो। तो बच्चों के साथ जो भेदभाव होगा, भेदभाव होना ही है ना, और अमीर बच्चे देखेंगे हिकारत की निगाह से उस बच्चे को कि ये आया हुआ है सब्सिडी वाला बच्चा, क्योंकि वो बाई राइट नहीं आया है, अधिकार पूर्वक नहीं आया है, वो भीख के बतौर आया है। ये कानून बनाया है, कानून ये नहीं बनाया कि सब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। चलो फिर भी आगे बढ़ जाए, यदि 25% एडमिशन मिल भी गया प्राइवेट स्कूल्स में तो भी इस देश में उतने स्कूल हैं ही नहीं कि सब बच्चे पढ़ लें, इनके उतने स्कूल ही नहीं है इस देश में, उतने खोलते ही नहीं। लेकिन खैर, ये तो आरटी एक्ट हुआ। मूल मामला ये है कि भारत सरकार की शिक्षा का खर्चा दुनिया के, ये गरीब देशों के खर्चे दिए हुए हैं मैंने, गरीब देशों की तुलना में देखिए भारत सरकार उधर है 4% जीडीपी खर्चा करती है, इधर ये भारत है, और दुनिया का एवरेज भी भारत से ज्यादा है। और क्यूबा और मलेशिया और कीनिया जैसे देश 8% के आसपास खर्चा करते हैं, भारत से दुप्पट, हम उतना काम करते हैं। यही कारण, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी वही आंकड़ा है, एक और आंकड़ा है,
यही कारण है कि कुल मिलाकर हमारे स्कूलों में सरकार चूंकि खर्चे कम करती चली जा रही है, सब्सिडी कम करनी है, तो सब्सिडी कम करने के नाम पर स्कूलों के खर्चों पे कटौती कम होती चली जा रही है, स्कूलों में जो सरकार अनुदान देती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो उसका कारण ये है, उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार पिछले दो दशकों से अब स्कूलों में नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुरू की है, यानी अनक्वालिफाइड बच्चों को, दसवीं पास बच्चों को टीचर अपॉइंट किया जाएगा, उनको 500, 700, 1000, 3000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वो तीन क्लासों को एक साथ पढ़ाएं, क्योंकि उतने क्लासरूम ही नहीं है और उतने टीचर ही नहीं है। तो जहां ये आंकड़े हैं, आगे जाइए, आधे प्राइमरी स्कूल्स इस देश के उनमें सिर्फ एक या दो टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल मतलब पांचवीं तक का स्कूल, 50% प्राइमरी स्कूल्स में एक या दो टीचर है, दो तिहाई प्राइमरी स्कूल्स में पांच क्लासरूम है ही नहीं, यानी हर क्लास के लिए एक क्लासरूम ही नहीं है। तो ऐसे में परिणाम क्या हुआ कि एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन टीचर एक से ज्यादा क्लासेस को एक क्लासरूम में पढ़ाएगा, जो जीतू नाटक में दिखाता है कि कुछ बच्चे यहां बैठे हैं, कुछ यहां बैठे हैं, कुछ यहां बैठे हैं और सबको एक ही मास्टर पढ़ा रहा है। तो जहां पर ऐसी पढ़ाई होगी वहां पर लोग, माँ बाप बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। ऊपर से स्कूलों में पीने का पानी तक नहीं है, 20% स्कूल्स में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, फर्नीचर और बिल्डिंग और बिजली की बात तो दूर रही। इतनी बुरी हालत है देहातों के प्राइमरी स्कूल्स की और ज्यादातर छोटे शहरों के प्राइमरी स्कूल्स की। नेक्स्ट, तो यही कारण है कि बहुत तेजी से लोग अपने बच्चों को, पहले मेरी पीढ़ी के सारे बुद्धिजीवी, इधर कई लोग मेरी उम्र के बैठे हैं, हम सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, इस देश के सारे बुद्धिजीवी मेरी उम्र के सब सरकारी स्कूलों में पढ़े, यानी सरकारी स्कूल पहले अच्छे होते थे ना, तभी तो जाते थे, और स्कूल थे भी नहीं। अब लोग जाना बंद कर रहे हैं क्योंकि स्कूलों की हालत खराब हो रही है, क्योंकि सरकार सब्सिडीज में कटौती कर रही है। नेक्स्ट, तो तो मैं आंकड़े नहीं दिए क्योंकि आंकड़े से बोर होने लगते हैं, मतलब कुल मिलाकर इस देश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या, लाखों प्राइवेट स्कूल खुलने लगे हैं, उनमें दसियों हजार से लेकर लाखों रुपए फीस है, स्कूल बिजनेस बना दिया है, गरीबों पे खर्चों की कटौती। नेक्स्ट, वही हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के ज्यादातर देशों की तुलना में भारत सरकार स्वास्थ्य पर कम खर्चा करती है, जीडीपी का सिर्फ 1.3%, बाकी सारे देश 3% से 8% खर्चा करते हैं। नेक्स्ट, और यही कारण है कि सरकारी अस्पताल नहीं के बराबर हैं, गांव में तो और भी कम है, और यही पर उसका नतीजा यह है कि दुनिया के हर बीमारी में भारत सरकार नंबर एक है। आंकड़े दिए हुए हैं, 25% टीबी केसेस, 25% डायरिया से लोग मरते हैं भाई, 10 से जिसका जिससे कोई नहीं मरना चाहिए, उसमें से एक चौथाई हमारे देश में, लेप्रेसी के एक तिहाई, जापानीज एंसेफेलाइटिस के आधी बीमारी ये डेथ केसेस है हमारे देश में होते हैं, हर एक में नंबर एक है। नेक्स्ट, और दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल धड़ल्ले से खुल रहे हैं, ये सारे प्राइवेट अस्पताल हमारे आपके लिए नहीं खुले हैं, इनमें सब विदेशी आते हैं फ्लाई करके, क्योंकि भारत में इलाज सस्ता है विदेशों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर नर्सिस को तनख्वाह कम है, सब खर्चे कम है ना हमारे देश में विदेशों की तुलना में। तो 2012 का आंकड़ा है, 4 लाख विदेशी भारत में इलाज कराने आए, और ये आंकड़ा बढ़ता चले जा रहा है, तो मेडिकल सुपर पावर भी बन रहे हैं। नई सरकार उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही है, नई सरकार का केंद्रीय मुद्दा, मैंने फिस्कल डेफिसिट की बात की, उसके बाद लगातार पॉलिसीज अनाउंस हो रही हैं, उन्होंने पीपीपीस की घोषणा की है, एक नई योजना शुरू की है कंपनियों को और लोन देने के लिए, बजट में था, उन्होंने घोषणा की है कि पर्यावरण जो है उसका पर्यावरणविद या पर्यावरण के जो लोग हितैषी हैं वो बहुत देश का विकास का नुकसान कर रहे हैं, कंपनियों को फटाफट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना चाहिए। ये सारी घोषणाएं हो रही हैं, यानी जम के कंपनियों को क्लियरेंस मिलेगा,
पर्यावरण को तबाह करो, जल्दी से उत्पादन बढ़ाकर नफा कमाओ, जमीनें मिलेंगी, सब्सिडीज मिलेंगी और लोन मिलेंगे, नीतियां और तेजी से आगे जाएंगी, वही होगा जिसके लिए कि कंपनियों ने मोदी को पैसा दिया था कि तुम चुनाव में प्रचार करो। नेक्स्ट, वही जमीन अधिग्रहण का कानून हल्का करने वाले हैं, सारे अखबारों में आ रहा है। मतलब बेसिकली मोदी सरकार यूपीए का और एक्सेलरेटेड रूप है। इतना ही है कि ये ज्यादा चालाक है तो घोटाले उतने नहीं दिखेंगे लेकिन ट्रांसफर उतने ही होंगे, ये ट्रांसफर और ज्यादा। तो दोस्तों ये है असली मामला। ऐसे में अब एक छोटे से इस पहलू पर आए कि ऐसे में क्या किया जाए। हम में से कई लोग जानते थे कि यदि बीजेपी जीती तो वो वही करेगी जो यूपीए ने किया, स्पष्ट था, हम तो निश्चित तौर पे जानते। ऐसे में जब चुनाव आए तो देश के बहुत सारे पुरोगामी लोगों ने और हम लोगों ने भी, एक नई जब पार्टी खड़ी हुई आम आदमी पार्टी, तो चुनाव में हम लोगों ने उसका समर्थन किया, आप जानते होंगे, क्योंकि मतलब उसके कई कारण थे। आप में से जो लोग कारण जानना चाहते हैं कि हमने क्यों सपोर्ट किया, उसके हमने उस पर एक लंबा लेख प्रेस में भी दिया था, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप जब चुनाव में बुरी तरह से हारी तो ऐसे में काफी निराशा भी फैली और ऊपर से चुनाव में हारने के बाद उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुए, उनके भीतर के झगड़े, कैरियरिज्म के झगड़े, डेमोक्रेसी का अभाव, ये सारी चीज़ें भी बाहर आने लगी, बहुत लोग छोड़ के गए। तो ऐसे में बहुत लोगों को लगा, एक निराशा का माहौल फैलने लगा, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के गए और लोगों को लगने लगा कि यार एक मतलब एक निराशा का माहौल इस देश में फैला है, ये तय है। हमारे भी कई साथी दुखी थे कि कितनी बुरी तरह से हारे, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर और हमारे बहुत सारे साथी जो इन चीजों को समझते हैं, हम लोग जानते थे कि होगा क्या, अधिक से अधिक की कुछ सीटें जीत जाएगी, इतना बुरा हार होगी ये अंदाज नहीं था, लेकिन यदि कुछ और सीटें भी जीत गए होते, जो 3-4 सीटें मिली, तो भी हम कोई मतलब हमारी कोई ना हम नाउमीद हुए ना उत्साहित हुए, क्योंकि हमारे लिए कुछ सीटें आप जीते कि नहीं जीते मामला वो था ही नहीं। क्योंकि असली मामला ये है, हम जानते थे कि इतनी आसानी से देश बदला नहीं जा सकता, एक हवा का झोंका आया और देश बदल जाएगा, इतना आसान नहीं होता। तो हमारे लिए आप उसके भीतर के झगड़े या वो सोरे जो सारी क्राइसिस पैदा हुई है, हमने उन सब चीज़ों पर न मैं ज़्यादा विस्तार से बात करना चाहता हूँ, न हमारी उसमें दिलचस्पी है, क्योंकि हमारे लिए वो एक्सपेक्टेड था और तब भी हमने आपका समर्थन किया। उनके भीतर ये प्रॉब्लम्स आएंगी ये जानते हुए समर्थन किया, हम वो एंटिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि हमारा मामला दूसरा था। बात ये थी कि हम जब बहुत सारे नए लोग किसी प्रचार में जुड़ते हैं, जब देश में एक उम्मीद जगती है और वो उम्मीद के पीछे फ्रॉड नहीं है, हमारा ये अंदाज नहीं है कि वो फ्रॉड है, जेन्युइन लोग थे, तो ऐसे में उसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। हालांकि हम जानते थे कि यदि वो कुछ सीटें ले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बदल जाएगा, और बल्कि हमने उनको ये भी बोला था कि यदि आप सत्ता में आ जाए तो भी लोकायत बनी रहेगी, क्योंकि तब भी बहुत सारे मुद्दों को उछाने की जरूरत पड़ेगी। उसका कारण ये है दोस्तों कि हमारा बेसिकली ये सोचना है कि सिर्फ एक चुनाव से देश नहीं बदलता, चुनाव बदलना एक कठिन मामला है। क्यों कठिन मामला है, जरा उस पर थोड़ी बात करें, तीन कारणों पे बात करते हैं संक्षेप में। पहला ये कि जब आप देश बदलने वाला संगठन बनाना शुरू करते हो तो जो समाज के मूल्य हैं वो संगठन के भीतर आते हैं। कोई भी संगठन में आएंगे, इस समाज में जो मूल्य है कि अपना कैरियर बनाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, नोट कमाया जाए, ये समाज के मूल्य हैं। हर एक को बचपन से यही सिखाया जाता है।
ठीक है ना, हर एक में ये मूल्य है। हर एक आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, करियर के लिए कर रहे हो। आप में से कोई इंजीनियर इसलिए नहीं बन रहा कि आपको देश की भलाई करनी है। कोई व्यक्ति यूपीएससी एमपीएससी इसलिए नहीं कर रहा होता कि वो सब बोलते हैं कहने को कि हम यूपीएससी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको देश के लिए कुछ करना है। वो सब बेसिकली यूपीएससी कर रहे होते हैं क्योंकि उनको जाकर लाल बत्ती की गाड़ी अच्छी लगती है और तेजी से कमाई होती है, सब उसी लिए करते हैं। देश तो मतलब भगवान भरोसे चल रहा है ना। तो जब समाज के ये मूल्य हैं तो ऐसे में जब कोई सामाजिक संगठन बनने लगता है तो उसके भीतर वो मूल्यों का आना स्वाभाविक है, होना ही है। हमारे भीतर भी वो कैरियरिज्म आएगा, हमारे भीतर भी स्वार्थ पैदा होंगे, हमारे भीतर भी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, ये होनी ही है अवश्यम भाव। तो ऐसे में यही कारण है कि इस देश में आंदोलनों में और दुनिया भर में यही रहा है। हम बहुत सारे आंदोलन इसलिए नहीं हारे कि दुश्मन मजबूत था, हम बहुत सारे आंदोलन इसलिए हारे क्योंकि हम भीतर से कमजोर हो गए और हम एब्जॉर्ब हो गए उनमें। एब्जॉर्ब हो गए समझिए, मतलब हम वही हो गए जैसा ये सिस्टम है। ये पहली समस्या है जब आप समाज बदलने वाला आंदोलन खड़ा करते हैं। लेकिन उससे बड़ी समस्या ये है या उसके पैरेलल समस्या ये है कि पिछले 5-6 दशकों की नीतियों ने देश में लोगों के सपने इतने तोड़ दिए हैं, गरीब से गरीब आदमी के सपने तोड़ दिए हैं कि उसने समाज पर कोई भी सामाजिक प्रक्रिया पर भरोसा करना बंद कर दिया है। आपको एक उदाहरण देते हैं। हमने कुछ समय पहले एक हम लोग अभियान चला रहे थे कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत खराब हैं तो विकल्प क्या, लोकायत में ही चर्चा चलाई। कोई भी साथी ये नहीं बोला, नए साथी बैठे हुए थे, कोई भी साथी ये नहीं बोला, पुराने साथी समझते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी नया साथी 30-40 यंग लोग बैठे थे, कोई भी ये नहीं बोला कि सब लोगों को अच्छी सुविधा मुफ्त में सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए, ये हमारा हक बनता है। सब यही बोले कि प्राइवेट अस्पतालों में लूट कम हो जाए, डॉक्टर फीस कम ले ले, वगैरह वगैरह। यानी हमारा सपना इतना टूट चुका है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमको अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त में इलाज कराना ये हमारा राइट बनता है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में ये आज उपलब्ध है। लोग ये सपना भूल चुके हैं, उनकी इमेजिनेशन के परे है। उनका इमेजिनेशन इतना ही है कि यार जो डॉक्टर एक ऑपरेशन का 1,00,000 रुपए ले लेता है वो 80,000 कर देगा तो चलो हमारी जमीन कम बिकेगी। और वहां से लेकर यानी एक मिडिल क्लास में विश्वास टूटा है कि इस देश में कुछ हो सकता है, इस देश में वैकल्पिक तौर पे देश चलाया जा सकता है, वहां से लेकर गरीब आदमी तक, मारुति भापकर आपके कैंडिडेट जो थे वो काफी पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बता रहे थे कि जिन लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी कि तुम्हारा घर ना डिमोलिश हो, तुम्हारी पानी का बिल ज्यादा आ रहा है, उन लोगों ने चुनाव के समय उनसे 500 रुपए मांगे वोट देने के। हमने भी ये महसूस किया जब हम प्रचार कर रहे थे, क्योंकि गरीब आदमी आज उसका विश्वास इतना टूट चुका है कि आप जब उसके बीच में जाते हो, आप भले ही अब संतोष जब जाएगा या रुचा जब जाएगी या कोई भी जब प्रचार करने जाएगा तो आप वही ठगी नहीं करोगे जो अभी तक हुई है, क्या लिखा है आपके चेहरे पे, कहाँ लिखा है, बल्कि वो ठगी होते देखते आए हैं सदियों से। तो ऐसे में लोग पूरी तरह से, कोई भी सामूहिक प्रक्रिया शुरू होती है उसका सब बर्बाद कर देते हैं, पैसे कमाने शुरू हो जाते हैं। तो लोग इतना टूट चुके हैं, लोगों का सपना इतना टूट चुका है कि वो इमेजिनेशन, वो मतलब उनका इतना ही है कि चलो आप बड़े नेता हो, आपको वोट दे दिया, उसके बदले उनको कुछ भलाई हो जाएगी। हम मिलकर देश बनाएंगे, ये हमारा देश है और हम सब इस देश के नागरिक हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम सब लोगों की एक भागीदारी, ये सब चीज़ें उनके सिर के ऊपर से जाती है। ये सब बातें आज वो ये सब बातें सुनने के ही मूड में नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनके सपने टूट चुके हैं, ये आज की रियलिटी है। बल्कि हम लोकायत में जो भी नया साथी आता है वो काफी समय तक यही सशंकित रहता है कि यार पता नहीं इनके पास पैसे कहां से आते, जरूर इनके पीछे कुछ मामला होगा, अधिकांश लोग यही सोचते रहते हैं। तेरी बात है ना, यही सोचेंगे और क्या सोचेंगे। तो
इतना ज़्यादा ये मतलब इसीलिए समाज में लोगों के सपने जगाना ये आसान मामला नहीं है। और जब तक लोगों के सपने नहीं जगते, जब तक लोगों में हिम्मत नहीं आती, जब तक लोग इस देश को अपना मानकर सक्रिय होने को तैयार नहीं होते, डेमोक्रेसी कहाँ से? डेमोक्रेसी का मतलब है कि सब मिलकर तय करते हैं ना। डेमोक्रेसी का मतलब एक नेता और बाकी सब अपने घर में, ये उसका मतलब नहीं। तो डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब लोग सक्रिय हो, और वो डीह्यूमनाइजेशन के चलते और लोगों का जो पूरा सपना तोड़ दिया है, ऊपर से लोगों को टीवी वगैरह ने सब नाच गान में और फालतू के सपनों में फंसा कर रखा हुआ है। ऐसे में समाज के बारे में सोचना, जो भी कोई समाज के बारे में सोचता है उसके घर वाले उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है। और तीसरा जो समस्या है समाज बदलने की, वो है कि लोगों में न सिर्फ डीह्यूमनाइजेशन हुआ है, इंसानियत खत्म हुई है, हिम्मत टूटी है, सपने टूटे हैं, ऊपर से लोगों में इतनी पिछड़ी भावनाएं भर दी गई हैं और उनमें आपस में इतनी नफरत बना दी गई है। एक उदाहरण लेते हैं खरड़ा का। हम लोग यात्रा निकाले थे वो मनुष्की वगैरह के साथ, CPM के साथ खरड़ा में। आप जानते ही हैं वो नितिन आगे की हत्या हुई वो लड़की से बात करने के मामले में। तो जिस लड़के ने उसकी हत्या की वो मराठा लड़का है और वो गरीब आदमी है भाई, वो ट्रैक्टर ड्राइवर है। वो जेल पहुंच गया है तो उसके परिवार वालों के खाने के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि उसके घर वाले बहुत बूढ़े हैं, वही एकमात्र कमाने वाला था। तो अब सोचिए क्या ट्रेजेडी है। एक गरीब आदमी अपनी जातीय अहंकार के चलते, जिसके भी खाने के लाले पड़े हुए हैं, दूसरे गरीब आदमी की हत्या कर रहा है कि तुमने मेरी बहन से बात क्यों कर ली। समस्या कितनी गहरी। अभी दंगे हुए, दंगों में जिन लोगों ने दंगों में भाग लिया वो सामान्य लोग हैं। हमारे एक साथी बताया कि उसके कुछ परिचित वो हिंदू राष्ट्र सेना में थे, जो गरीब लोग हैं जिनमें भर दिया गया है कि तुम हिंदू हो और वो हमारे मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। तो सामान्य लोगों में एक तरफ डीह्यूमनाइजेशन और ऊपर से ये जो बलात्कार होते हैं भयानक भयानक, कौन लोग करते हैं? उनमें से आधे तो सामान्य बच्चे हैं ना। तो हमारे भीतर घृणा नफरत एक दूसरे के बारे में इतना हमको तोड़ ताड़ दिया गया है और हमारी वही आइडेंटिटी रह गई है। हम नागरिक नहीं है, हम इंसान नहीं है, हम मराठा हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पुरुष हैं, हम हिंदू हैं, ये आइडेंटिटी हो गई है। इंसान वो इंसान नहीं है, उसमें इंसानी मूल्य, इंसानी सपने, समाज के बारे में कुछ सपने देखना, वो सब खत्म हो चुका है। उस हालत में आप काम कर रहे हो, उस चुनौती का सामना कर रहे हो, और उस चुनौती में जब आपको संगठन बनाना है तो यदि आप एक MP बन भी जाओगे और सारे लोग उस डीह्यूमनाइज स्टेट में होंगे तो उनका करोगे क्या भाई? जब तक कि लोगों को वहां से नहीं निकालते, लोगों में हिम्मत नहीं भरते, लोगों में इंसानियत नहीं भरती, ये चैलेंज है कोई भी समाज बदलने वाले संगठन के साथ। तो चुनाव लड़े जाते हैं, हम भी भाग लेंगे, आगे आने वाले चुनाव में क्या करेंगे देखा जाएगा। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास करते हैं और हमारा ये मानना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही समाज बदलता है। जो लोग फोर्सिबली समाज बदलना चाहते हैं उनका रास्ता असल में आसान होता है, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ लोग हथियार उठाकर समाज बदल डालेंगे। अरे भाई आप सत्ता में आ जाओगे तो क्या होगा, लोग तो वहीं के वहीं हैं, तो आपकी तानाशाही आ जाएगी। तो समाज बदलने का असली तरीका डेमोक्रेटिक ही है, लेकिन वो आसान नहीं होता और इसीलिए लोग शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे में यदि समाज बदलने वाला संगठन तैयार करना है और वो भी डेमोक्रेटिकली तैयार करना है, तो उसकी पहली शर्त ये बनती है कि आप सामान्य लोगों में हिम्मत जुटाओ, हिम्मत भरो कि चलो तुम भी एक इंसान हो, ये देश तुम्हारा है, चलो हम मिलकर देश बदले। और वो जब प्रक्रिया होती है, यानी अब उसमें कितनी समस्याएं हैं, जो लोग आपके साथ आते हैं, अमीर तो आएंगे नहीं, सामान्य लोग आएंगे, वो सारे अमीर सामान्य लोग समाज से पिसे हुए। कोई लड़की है जो जिसका एक जिसको बहुत परेशान किया गया बचपन से, कोई लड़का है जो घर वालों से अपमान झेला है, स्कूल में अपमान झेला है,
पिताजी ने जम के पिटाई की है कि तुम पढ़ाई नहीं करते, तो उसकी हिम्मत टूट चुकी है। तो यही लोग जिनकी आत्मा लहूलुहान है, जो बीमार है, बीमार मतलब मानसिक रूप से, यही लोग समाज बदलेंगे। लेकिन वो लोग जब संगठन में आते हैं तो वो इतने टूटे हुए होते हैं कि उनको एक माहौल देना कि वो खिले और इंसान बने और उनकी भी हिम्मत बढ़े, ये आसान नहीं होता। लेकिन ये किए बगैर आप समाज बदलने वाला संगठन नहीं बना सकते। तो समाज बदलने वाला संगठन बनाने का मतलब ये नहीं कि हम नेता हो गए तुम पीछे, तो तुम तो वहीं रह जाओगे ना वो डीह्यूमनाइज स्टेट में। समाज बदलने वाला संगठन का मतलब है कि मैं लंबे तौर की बात कर रहा हूं, मतलब चुनाव लड़े जाएंगे, उसमें कुछ लोग एमपी भी बन जाएंगे, वो सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली समाज बदलने वाला संगठन का मतलब ये है कि हमको लोगों के बीच में जाकर, लोगों को अपने आप से जोड़कर, उनमें एक ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि उनका व्यक्तित्व खिलने लगे और वो इंसान बनने लगे, वो जाति और धर्म और अपनी पुरुषवाद से ऊपर उठकर। या महिलाएं भी उसी से दबी रहती हैं, जो लड़कियां आती हैं वो भी तो यही मानती हैं कि हमको शादी करके मंगलसूत्र पहनकर पति की सेवा करनी है, तो उनमें भी इंसानियत भरनी है कि तुम इंसान हो। दलितों में इंसानियत भरनी है कि तुम जो बचपन से दबे हुए हो तुम्हारा दोष नहीं है, तुम एक इंसान हो, तुमको जानबूझकर तुम्हारा व्यक्तित्व तोड़ा गया। तो हमको लोगों से, लोगों को उनका जो अमानवीयता हो गई है, जो उनकी इंसानियत मर गई है, उससे ऊपर निकाल कर हमको लोगों को इंसान बनाना है। हमारे सामने यही चुनौती है, हम तो यही समझते हैं कि ये हमारा मुख्य काम। इतना जरूर है कि ये बेहद रोचक और फैंटास्टिक काम, क्योंकि जब आपके साथी आते हैं, जब श्री शुरू में आया था तो वो पीछे कोने में बैठा करता था, आज पूरा क्या क्या जिम्मेदारियां संभालता है। निखिल एकदम परेशान फर्स्ट ईयर में, अब एकदम खिलकर क्या कैंपेन्स चलाता है। प्रसाद जो बोलता था मेरे को लोगों से बात करने में डर लगता है, अब कैंपेन में एंजॉय करता है लोगों से बात करने। गीता, सब जो हमारे साथी हैं जो आए लोकायत में और उनको एक माहौल मिला, थोड़ा उनका व्यक्तित्व बना, मेरे ख्याल से हमारा कम से कम दूरगामी उद्देश्य, क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य नहीं है, यानी हम चुनाव लड़ेंगे कुछ एक, कभी कभार भविष्य में पता नहीं कितने साल बाद कोई एक एमपी बन भी जाएगा, या आम आदमी पार्टी जैसे कुछ भली पार्टी होंगी उनका हम साथ देंगे, उनके भी कुछ एमपी बन जाएंगे। यदि ये सब हो भी जाएगा तो हमारा वो सपना नहीं है कि उतना कुछ हो जाए, वो एक हमारे लिए माध्यम है इस समाज में लोगों में और कुछ करने का, ताकि वाकई एक ऐसा संगठन समाज में लोग बदलें और लोग इस समाज में एक इंसान के बतौर हस्तक्षेप करने की हिम्मत जुटाएं। जब लोग वैसे होने लगेंगे तो ही वाकई एक समाज की, एक बढ़िया समाज की नींव पड़ेगी। ये हमारा दूरगामी लक्ष्य, ये हमारा एक काम। और ये प्रक्रिया हो सकती है दक्षिण अमरीका जैसे देशों में ऐसे लोग बनने लगे, पिछले दशकों के आंदोलनों में हजारों ऐसे कार्यकर्ता बने, उन्होंने संगठन बनाए, वो लोग सत्ता में आए। यही कारण है कि चावेस की मौत के बाद भी अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि सरकार गिरे, लेकिन वो मेजॉरिटी से बार बार चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। नेट पे जाकर देखिए कितना जम के वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, क्योंकि अमेरिका और वहाँ के अमीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जमीनी प्रक्रिया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ शुरू हुआ है वो तोड़ा जाए, लेकिन तब भी वो डटे हुए हैं और वो प्रोसेस बढ़ता चले जा रहा है। अभी एल सल्वाडोर में चुनाव हुए, एल सल्वाडोर में वहाँ का नया राष्ट्रपति बना गरीब आदमी, उसने पहली घोषणा की कि जो राष्ट्रपति का पैलेस है वो अब म्यूजियम होगा, मैं अपने ही घर में रहूँगा, ताकि लोगों को पता चले कि अमीर लोग कैसे रहते थे, राष्ट्रपति कैसे रहते थे, तो म्यूजियम बना दिया है। अभी अभी 15-1 महीने पहले की घटना। तो ये दुनिया में ये प्रक्रियाएं घट रही हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, समाज बदल रहे हैं, और वहां से हमारी उम्मीद बनती है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन तब भी जब हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार वहां पे तो हो गया, यहां पर नहीं होने वाला, अपना देश नहीं बदला जा सकता। तो हमारी उम्मीद कहाँ से आती है, हम क्यों उतनी उम्मीद के साथ काम करते हैं? हम उम्मीद या होप जिसको बोलते हैं, हमारी उम्मीद यहाँ से आती है, बहुत सिंपल मामला है, हमारी उम्मीद इतिहास से आती है। कहा जाता है कि इतिहास और उम्मीद जुड़वा बहने हैं, होप एंड हिस्ट्री आर ट्विन सिस्टर्स, लुक बैक एंड यू विल रियलाइज हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड।
पीछे देखिए, वहां 2 साल नहीं, इतिहास में 2 साल मायने नहीं रखते, हमारी आपकी जिंदगी में 5 साल मायने रखते हैं, क्योंकि हमको लगता है कितना समय बीत गया। आप इतिहास के 1000 साल की कहानी 100 पेज में पढ़ लेते है ना, तो इतिहास में एक आदमी की जिंदगी उतना मायने नहीं रखती। तो आपको इतिहास बदलते हुए देखना है तो थोड़ा ज्यादा पीछे देखना पड़ेगा, 500 साल पहले तुलना कीजिए। 500 साल पहले साइंस में भी रुकावट थी कि आप वैज्ञानिक खोज नहीं कर सकते, और जिन वैज्ञानिकों ने हिम्मत करके खोज की उनको जिंदा जला दिया जाता था। ब्रूनो, जिसने कहा कि धरती सूर्य की चारों तरफ घूमती है। सेसिलो सिकोटी एस्कोटी, जिसने पहली बार ये कल्पना दी कि धरती गोल है, सबको जिंदा जला दिया गया। लेकिन उस जमाने में वो हार्वी, जिसने कहा कि नहीं ब्लड फ्लो करता है वगैरह वगैरह, ब्लड का जिसने खोज की, इन सारे लोगों को भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन आज साइंस स्थापित है ना, आज वो पढ़ाया जाता है। तो वो बेसिकली क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि सवाल पूछना हमारा, हम हर चीज को इंक्वायरी करेंगे, हम क्यों पूछेंगे कि नेचर में ऐसा क्यों होता है, आज नेचर में क्यों सवाल पूछना स्थापित हो गया, बदला ना दुनिया। बल्कि चर्च को माफी मांगनी पड़ी, अभी कुछ समय पहले चर्च ने माफी मांगी कि हमने गैलीलियो वगैरह के साथ जो किया था वो गलत किया। दुनिया कितनी बदल गई, बदली। लेकिन चलिए साइंस छोड़िए, समाज में कितना बदला, समाज में कितना बदला। डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जो हम सारी बात कर रहे हैं, आज से 500 साल पहले राजाओं के जमाने में वो अनइमेजिनेबल था कि राजा और उसका चौकीदार दोनों साथ में वोट डालेंगे कि भैया देखे कौन चुना जाएगा, अकल्पनीय था ना। वोट की लड़ाई, आपको आश्चर्य होगा, बड़ी लंबी लड़ाई रही है, कुछ 100 साल वो लड़ाई चली, और पहले राजाओं ने कुछ लोगों को वोट दिया, फिर और आंदोलन बढ़ा तो बोला चलो 20% लोगों को वोट दे देते हैं, लेकिन मुख्य अधिकार राजा के पास रहेंगे। फिर और लड़ाई लड़ी और अंत में पार्लियामेंट सुप्रीम हुई और 100% वोटिंग राइट मिला, और कई देशों में तो 100% वोटिंग राइट सारे लोगों को 20वीं सदी में मिला है, 100 साल पहले, 80 साल पहले, 60 साल पहले। तो ये छोटी छोटी, ये लड़ाइयां छोटी नहीं रही हैं। आप जो आज मानकर चलते हो कि आपकी फैक्ट्री का बॉस आपकी पत्नी को उठाकर नहीं ले जा सकता, आप जो आज मानकर चलते हो कि शाम को 5 बजे के बाद आप इस तरह की मीटिंग में जा सकते हो जहां पर उसी आपकी कंपनी के बॉस को गाली दी जा रही है, ये पहले अकल्पनीय था। ये डेमोक्रेटिक राइट आसानी से नहीं मिला है, हम इन अधिकारों की कीमत नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते वही, क्योंकि हमको हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, और हिस्ट्री हमारे लिए इसीलिए वो राजाओं की कहानी के रूप में पढ़ाई जाती है तो हम बोर हो जाते हैं। यही हिस्ट्री है ना, लोगों की हिस्ट्री, और कैसे लोगों के प्रयासों से समाज बदला ये नहीं सिखाया जाता। दलितों का कौन कल्पना कर सकता था 20th सेंचुरी की शुरुआत में 1910 में जब गोखले ने बिल मूव किया कि सब लोगों को, सारे देश के लोगों को प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, तो दरभंगा के राजा ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया अमीरों के बीच में, अंग्रेजों को दिया कि यदि सारे गरीबों को शिक्षा दे दोगे तो हमारे खेत में काम कौन करेगा, और उसमें 20,000 अमीरों ने साइन किया और अंग्रेजों ने प्रस्ताव ड्रॉप कर दिया। आज गरीब मतलब दलित ना, आज हजारों की संख्या में दलित युवक, उतनी शिक्षा नहीं है वो एक बात है जो मैंने बात कही, लेकिन दूसरा पहलू भी तो है ना कि आज हजारों की संख्या में दलित युवक कॉलेजों में पढ़ते हैं, बाई राइट पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। कितना समाज बदला, आज से 100 साल पहले अकल्पनीय था लोगों के लिए कल्पना करना कि इतने दलित पढ़ेंगे, कितना बदला समाज। महिलाओं में हमने वो मुक्ति का आत्मस्वर वो कार्यक्रम किया था, आज से 600-500 साल पहले जो महिलाएं बगावत करना चाहती थी पैट्रियार्की पुरुष सत्ता के खिलाफ, उनको ईश्वर से हम शादी कर रहे हैं ये बहाना बनाना पड़ता था, क्योंकि वो खुलेआम नहीं बोल सकती थी कि हम अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि स्त्री 30 साल में अकेली रहे ये समाज को नागवार था। आपकी उम्र हुई नहीं, प्यूबर्टी आई नहीं कि आपकी शादी हो जानी थी चाहिए, ये समाज का नियम था, और शादी वहां होगी जो घर के बड़े बूढ़े तय करेंगे। तो ऐसे में उस जमाने में जिन महिलाओं ने बगावत की
समाज इतना पिछड़ा था और मूल्य इतने कम थे कि उनको ये कहना पड़ता था कि हम ईश्वर से शादी कर लिए। वो कारण था इस, वो सब मीरा वगैरह। हम आज से उनकी पूजा करते हैं। मुक्ति के आत्मस्वर में वो कहानी दिखाई गई कि कैसे वो उनकी बगावत की कहानी है, उनके बंड की कहानी है। और जब भीड़ है, इससे ज़्यादा भीड़ थी, पूरा खचाखच हॉल भरा था, सब रो रहे थे कार्यक्रम के बाद कि क्या लड़ाई लड़ी। बस खत्म ही कर। तो दोस्तों, ये जो समाज बदलता चला गया है, ये समाज ऐसे ही नहीं बदला। समाज बदला क्योंकि उन महिलाओं ने बगावत की, मीरा ने और मुक्ताबाई ने। फिर समाज बदला क्योंकि सावित्री बाई और उन सारी महिलाओं ने बगावत की। और वो जो छोटी छोटी बगावतें थी उनके ज़माने में उनको नहीं लगा होगा कि वो जीती, लेकिन आज जब इतनी सारी लड़कियां फ्रीली यहाँ पर 8:30 बजे मीटिंग में बैठती हैं और हज़ारों की संख्या में और लाखों की संख्या में लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं और शादी कानून बन चुका है कि अब ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते, तो ये जो जीते हुई हैं ये लंबी परिवर्तनों की जीत है। तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है क्योंकि लोग प्रयास करते हैं, इसलिए समाज बदलता है। सबसे एक्साइटिंग परिवर्तन तो दक्षिण अमेरिका में हो रहे हैं, जहां पर इतने फैंटास्टिक परिवर्तन हो रहे हैं। वही लोग जिनको गुलाम बनाया गया, जिनका मतलब उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो हमारे देश में गुलामी के काल में उतना भयंकर व्यवहार नहीं हुआ था, आज वो लोग अपने देशों में चुनाव जीतकर वो सारे यूरोपियंस के खिलाफ झंडा उठाए हुए हैं बंड का और सत्ताओं में आ रहे हैं। और यही कारण है कि उनके बारे में एक शब्द अखबारों में नहीं आता। एल सेलोडो के राष्ट्रपति ने क्या किया, मैंने नेट पर जाकर देखा। क्यों? क्योंकि यदि वो आने लगेगा तो लोगों के सपने जगने लगेंगे ना। जब आप समाज की चर्चा करते हो, इतिहास की चर्चा करते हो, तो लोगों के सपने जगाते हो, इसलिए ये सपनों को नहीं जगाना चाहते और इसीलिए हम इतिहास की बात करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद कहां से आती है? उम्मीद इतिहास से आती है। अब हमारे प्रयास कब सफल होंगे ये कहना मुश्किल है। असल में ये सारा मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सफलता का। आपको एक रोचक उदाहरण कि कैसे प्रयास कब सफलता लाते हैं ये कोई नहीं जानता। थोरियो नाम का एक लेखक था, यूरोपियन, बहुत मशहूर लेखक है। वो अपने जमाने में जो किताबें लिखता था कोई नहीं पढ़ता था। तो एक जगह वो कहता है कि मेरी लाइब्रेरी में 900 किताबें हैं, उनमें से 700 मेरी लिखी हुई हैं। आई हैव 900 बुक्स इन माई लाइब्रेरी, आउट ऑफ विच 700 हैव बीन रिटन बाई मी, क्योंकि उसकी बिकती नहीं थी। लेकिन थोरियो की किताब गांधी ने पढ़ी जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, और वहां से उनको समझ में आया कि अरे, सिविल डिसोबीडियंस का कंसेप्ट गांधी को थोरियो की किताब से मिला। सभी ने अवज्ञा, हम नहीं मानते। और वहां से उन्होंने फिर वो आंदोलन की नींव रखी जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला दिया और देश आजाद हुआ। अब ये थोरियो के मरने के 150 साल बाद हुआ है ना। थोरियो थोड़ी जानता था कि उसके यहां तक बात पहुंच जाएगी। उसके बाद गांधी के 50 साल बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर नाम का एक अमरीकी ब्लैक जो बंड करना चाहता था, उसने गांधी को पढ़ा, फिर थोरियो को पढ़ा, वहां से समझ में आया अरे, फिर तो फैंटास्टिक कंसेप्ट्स हैं, उसने अमरीका में लागू कर दिया। और वहां से वो आंदोलन खड़ा हुआ ब्लैक्स का, जिसने जिसकी बदौलत आज ओबामा राष्ट्रपति भी बन गए। किसकी देन? थोरियो ना। तो हमारे प्रयास कब रंग लाएंगे? थोरियो नहीं होता तो कंसेप्ट नहीं आते ना। तो समाज में, समाज परिवर्तन के काम में हम जब काम करते हैं तो वाकई उसका रिजल्ट कब होगा? एक और उदाहरण अभी अपने साथियों को बता रहा था, क्लासिक मैंने पढ़ा। हमने अभी कुछ समय पहले वो कार्यक्रम क्या था, रॉक फॉर एनवायरनमेंट, नहीं वो पुणे यूनिवर्सिटी में क्या था, आप में से कई लोगों ने देखा, जिसमें हमने रॉक म्यूजिक का इस्तेमाल किया पर्यावरण के विषय पर।
और 300 लोगों का खचा का छोल है ना केदार, सब नाच रहे थे बच्चे वैसे ही जैसे टीवी पर नाचते हुए दिखते हैं, सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे बेड पर थिरक रहे थे एनवायरमेंट के मुद्दे पर। उसका इतिहास मालूम क्या है? रॉक म्यूजिक का ओरिजिन वहां से है कि आज से 300 साल पहले जब काले लोगों को अमेरिका ले जाया गया गुलाम बनाकर भयंकर हालत में, मुश्किल से 10% लोग जिंदा पहुंचते थे, 90% रास्ते में मर जाते थे गुलाम लोग, वहां पर उनके साथ भयानक यातनाएं, आदमी नहीं कहलाते थे। तो बाद में उन काले लोगों में से कुछ लोगों को न्यू ऑर्लियंस नाम का शहर है अमेरिका में, वहां पर उनको ये अधिकार मिला या उनके मालिकों ने उनको छूट दी कि तुम शहर के चौराहे में इकट्ठा होकर आपस में अपने दुख दर्द शेयर कर सकते हो, आपस में बात कर सकते हो, मतलब थोड़ा गप्पे मार सकते हो। तो उन्होंने वो शहर के चौराहे में इकट्ठा होकर अपने संगीत को याद करना शुरू किए, उनके पुरखों के संगीत को, और उस पर वो नाचा करते थे। तो उनको देखकर एक लेखक, एक संगीतकार था, उसने कहा कि ये रॉक कर रहे हैं, दे आर रॉकिंग टू द म्यूजिक, समझ गए? म्यूजिक पर रॉक करना मतलब मटकना ना, तो वो संगीत पर नाच रहे हैं, रॉक कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हुई 1950 में और वो कहलाया रॉक एंड रोल। और उसी रॉक म्यूजिक को एक उनका एक गजब का रॉक म्यूजिक का एक गजब का वो था, ब्लैक आर्मी था जो म्यूजिशियन था, उसका नाम था लुई आर्मस्ट्रांग। तो वो जब एक दिन अपना गिटार पे वो रॉक गा रहा था तो एक यंग गोरा आदमी, उसका नाम था चार्ल्स ब्लैक, उसने उसको देखा और उसको लगा कि अरे कितना गजब का म्यूजिक है, इसका मतलब है कि काले लोग भी बहुत काबिल होते हैं। तो वहां पर तो हर गोरा आदमी में दिमाग में रंगभेद था ना 1930s-40s में, आप कल्पना नहीं कर सकते थे अमेरिका में 1930s में क्या अमेरिका था, काले लोगों के मामले में क्या था, भयंकर रंगभेद था। लेकिन वो नौजवान ने जब उस काले आदमी को देखा तो उसको समझ में आया कि ब्लैक लोग भी बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, उनमें भी बहुत क्षमताएं होती हैं। और ऐसे में फिर वो रंगभेद आंदोलन के संपर्क में आया और उसने तय किया कि मैं काले लोगों की मुक्ति के लिए वकील बनूंगा, और वो वकील बना और उसने अमेरिका के सबसे यादगार केसेस लड़े जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसके जम के आर्ग्यूमेंट्स के दम पर ये फैसला सुनाया कि भाई ये रंगभेद गलत है। तो देखिए रॉक म्यूजिक, उसने काले यंग वाइट को इंस्पायर किया 200 साल बाद, है ना? और उसके बाद फिर वो म्यूजिक अभी कुछ साल पहले उस म्यूजिक की थाप पर ट्यूनीशिया में और इजिप्ट में आंदोलन फैला जिसने कि वहां की तानाशाहों को हटा दिया। तो रॉक म्यूजिक वापस अफ्रीका पहुंचा, काले लोगों का म्यूजिक जो अफ्रीका से गया था अमेरिका, वो वापस अमेरिका से एक्सपोर्ट होकर अफ्रीका आया और वहां के आंदोलनों को उसने ताकत दी, और फिर वहां से वो म्यूजिक चलकर पुणे आया और हमारे साथियों ने उसको तो दोस्तों वो काले लोग नहीं जानते, वो तो अपना दुख व्यक्त कर रहे थे ना, वो क्या जाने कि उन्होंने जो आपस में म्यूजिक बनाया और शेयर किया उसका इतना शानदार कहानी चलेगा 300 साल बाद, है ना? तो वो कहानी चल रही। तो हम जब प्रयास करते हैं तो प्रयास कीजिए, ये मत चिंता कीजिए कि क्या होगा, आपके प्रयास असफल नहीं जाते। आपके बीज जो आप बोते हो वो बीज समाज में रहते हैं, वो कब रंग लाएंगे ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन इसी तरह के बीज जब बोए जाते हैं तो इतिहास में जो परिवर्तन हुआ है वो इसी तरह से परिवर्तन हुआ है। लेकिन एक और बात ये कि असल में ये सारा मामला सफलता का ना, ये गोलमाल मामला है, सफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। हमको ये समाज सिखाता है कि सफल हो, कैरियर बनाओ, फर्स्ट आओ, पैसे कमाओ, 10,000 की सैलरी मिल गई, 15,000 क्यों नहीं मिलता, 2,00,000 का पैकेज मिल गया तो 4,00,000 का पैकेज मिल जाओ, लड़की होगी तो बोले ऐसे लड़की ऐसा लड़का पटा लो जो 10,00,000 की पैकेज हो तो प्रेम विवाह भी चलेगा, है ना?
तो मतलब ये समाज जो हमको सफलता के सिखाता है, असल में कोई सफलता नाम की चीज़ नहीं। एक उदाहरण, कुछ उदाहरण, मुक्ता बाई ने समाधि लिया, जानते होंगे, यानी आत्महत्या की होगी ना, उसी को समाधि बोलना बोलते। वो क्या सफल हुई? वो तो दुखी होकर आत्महत्या की होगी ना। लेकिन 800 साल बाद मुक्ता बाई के भजनों पर कुछ लड़कियों ने अभिव्यक्ति के नाम पर पूना में एक कार्यक्रम किया और मुक्ता बाई को वापस प्रचारित किया, तो मुक्ता बाई क्या सफल हुई है ना? आज भी उनकी याद कायम है ना, और उनकी याद पे जो प्रोग्राम हुआ उससे लोग इंस्पायर हुए है ना। तो दुनिया में असफलता या सफलता कुछ नहीं होता। एक और उदाहरण, गांधी देश को आजाद कराए, उस समय यदि कोई व्यक्ति जिंदा होता आजादी के आंदोलन में और वो 1950 में मर गया होता तो वो यही कहकर मरा होता ना कि वाह हमने देश को आजाद करा दिया, हम सफल हो गए, है ना, यही बोलता ना। आज उसी का देश बेचा जा रहा है, आज गांधी होते तो हमारे साथ होते, लड़ रहे होते। तो फिर यानी उतार हुआ, चढ़ा हुआ, फिर उतार हुआ, नहीं हो गया वापस वहीं। बल्कि आज हम बोलते भी हैं कि किसानों की हालत अंग्रेजों के काल से बदतर हो गई है, 2.5 लाख आत्महत्याएं हुई हैं। तो क्या बोला जाए कि गांधी सफल हुए क्या सफल हुए, कहना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अपना काम किया, हम अपना काम कर रहे हैं। सिमोन बोलिवार, अमेरिका का वो शानदार हीरो जिसने पूरे दक्षिण अमेरिका को इकट्ठा करके आजाद करा दिया और स्पेनिश और पुर्तगीज को मारकर भगा दिया अपने देश से और पूरा अमेरिका आजाद कराया, फिर वो पूरा का पूरा महाद्वीप 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहा, फिर अमेरिका का गुलाम बना रहा, आज फिर वहां पर सिमोन बोलिवार का नाम जिंदा किया जा रहा है, देश आजाद हो रहे हैं, सत्ताएं चावेज और इवो मोरेल्स और वो सारे वो इसका बिशप ये इक्वाडोर का वो सब सत्ताओं में आए हैं और देश जनता के सपने दोबारा जिंदा हुए हैं और बोलिवार के फिर दोबारा तस्वीरें लगाई जा रही हैं और क्या उसका वेनेजुएला तो अपने देश का नाम ही दिया हुआ है, बोलिवारियन रिवॉल्यूशन ऑफ वेनेजुएला, बोलिवार के नाम पर बोलिवारियन क्रांति हो रही है। तो बोलिवार सफल हुआ, फिर उसका देश दोबारा गुलाम हो गया, फिर आज लोग उससे प्रेरणा लेकर फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, दुनिया में वाकई ये कहना कि हम सफल हुए कि असफल हुए, आप जो बीज बोते हो वो बीज कब रंग लाएंगे, फिर कुछ असफलताएं आएंगी, फिर कुछ सफलताएं आएंगी। लोकायत हमने शुरू किया, हम थोड़ी जानते थे कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए, हमने अपने प्रयास किए, कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सफलता हो गई। थोड़ा आगे देखोगे तो समझ में आएगा कि बाप रे, 120 करोड़ लोगों को संगठित करने का काम है इस देश में, लोग हैं 50, तो कहाँ सफल। और बाल पाटिल बोलते हैं पीछे बैठे हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अरे 50 ही लोग तो जुटा है, ठीक है जहां से थे वहां से आगे बढ़ गए, जितना आगे जाना है कितना लंबा रास्ता है, क्या बोलेंगे सफल हुए कि असफल हुए, कहना मुश्किल है। इसीलिए इस तरह से सोचना गलत है, अपना काम करते चला जाए, रोज की प्लानिंग की जाए, थोड़ा आगे देखा जाए, आगे भी देखा जाए, दूर तक भी देखा जाए, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ा। अभिव्यक्ति हमने खड़ी, अभी शुरू में हम लोग महिला विंग खोलने का नहीं सोचे थे, संगठन बनाना शुरू हुआ, लड़कियां आई तो समझ में आया कि लड़कियों का अलग से ग्रुप बनना चाहिए, तो 4 साल पहले अभिव्यक्ति बनाए, थोड़ी सी लड़कियां थी 5-6, फिर लड़कियों का ग्रुप खिलने लगा, कितने शानदार शानदार प्रोग्राम किए, वो 3 लड़कियां गई हैदराबाद में वर्कशॉप देकर आई, एकदम यंग हमारी कार्यकर्तियां, वो एकदम सब लोग हतप्रभ रह गए कि कितना अच्छा वर्कशॉप लिया। ये लोग वर्कशॉप देते हैं कॉलेजों में 4-4 घंटे के, पूरा क्लास सुनता है और लोग एकदम घेर लेते हैं कार्यक्रम के बाद। वो मुक्ति का आत्मस्वर कार्यक्रम किया, सारे लोगों के आँख नम हो गई थी, क्या कार्यक्रम किया लड़कियों ने। तो ये सब सफलताएं हुई ना कहने को, लेकिन कुल मिलाकर लड़कियां कितनी है, 40, लेकिन काफी कुछ किया ना। तो हम अपना काम करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, एक कदम आगे जाने की कोशिश करते हैं, अपने बंधन तोड़ते हैं,
और वो जो आप एक एक कदम बढ़ाते चले जाते हो, आप आगे बढ़ते चले जाते, जिंदगी जीते चले जाते। असल में थोड़ा और एक एंगल से देखा जाए, जैसे मान लो लुकायत भूल जाओ, बाहर में जाए लुकायत, मान लो कि आप नौकरी कर रहे हो, क्या टीचर हो गए मान लो, तो टीचर हो गए तो क्या होगा, स्कूल टीचर बन गए मान लो, तो स्कूल टीचर बने तो मैक्सिमम क्या होगा, रिटायरमेंट तक आते आते 30 साल बाद स्कूल टीचर ही रहोगे ना। तो आपसे पूछा जाए कि क्या किया आपने जिंदगी में, आप बोलोगे स्कूल टीचर थे, 20 साल बाद भी पूछा क्या थे, तो स्कूल टीचर थे, तो सफल हुए क्या? तो उससे क्यों नहीं पूछते कि तुम सफल हुए कि नहीं हुए, हम इसे क्यों पूछते हो कि तुमने कितना बड़ा संगठन बना लिया। अरे भाई हर एक जीवन जीता है, आप एक स्कूल टीचर के नाम पे जीवन जी रहे हो, एक दुकानदार है दिन भर ग्राहकों का इंतजार करता है, शुरू में भी दुकानदार था, जब वो मरेगा तो उसका बेटा दुकान टेक ओवर करेगा, वो भी वही दुकान चलाएगा। सफल हुआ कि असफल हुआ, जिंदगी जिया ना वो अपनी, उसका वो जीने का तरीका है। तो हम जिंदगी, हर आदमी अपनी जिंदगी जीता है, उसमें एक एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, जो एक कदम आगे बढ़ गया थोड़ा खुश होता है कि चलो एक कदम आगे बढ़ गए, बस ना। दुनिया देखोगे तो कितना कुछ, मतलब यदि कंपेयर ही करना हो तो अरबपति लोग बैठे हुए हैं, आप कहां पहुंचे उनकी तुलना में, कहीं नहीं पहुंचे। तो असल में जिस तरह से लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, ये हमारा जीने का तरीका है। हम जीने के साथ साथ हम सोचते हैं कि हम चुप मारकर क्यों बैठे। तो हम अपनी नौकरियां करते हुए, हम अपनी पढ़ाई करते हुए लोगों के बीच में जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनको झकझोरते हैं, उनको बताते हैं कि देखो ये सब देश में क्या हो रहा है, ये हमारा जीने का अंदाज है, हम जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, और ये जिंदगी जीते हुए अपने इस रास्ते पे चलते हुए जो आपको साथी मिलेंगे, जब वो खिलेंगे, अब वर्षा ने डांस किया, क्या नीलिमा ने कविता पढ़ी और क्या क्या किया इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में, ये सब खिले ना, आपके साथी बदले, सुशील पूरा खेती संभालता है और इतना अच्छा भाषण दिया ऑर्गेनिक खेती पर, जो साथी 2 साल पहले मुंह नहीं खोलते थे वो खिलने लगे आपके साथी, निखिल को लगा कि मेरा शरीर बहुत टाइट है और लुकायत में सब बोलते हैं कि डांस करो तो व्यक्तित्व खुलेगा, तो उसने अभी बताया अभी दिन पहले कि मैंने जबरदस्ती सोचा कि डांस में भाग लूंगा ही, डांस लिया एकदम इतना फायदा हो गया, तो उसकी कहानी सुनी तो 2 लोग और बोले हम भी डांस इस बार भाग लेंगे, तो वाकई यार हर एक डांस लेगा तो बट्टा बैठ जाएगा। तो मतलब ये कि ये जो हम जिंदगी में कुछ नया सीखते हैं, हम जिंदगी जी रहे हैं, और इसीलिए चूंकि हमारा जिंदगी जीने का अंदाज है कि हम बेस्ट पॉसिबल जीते हैं, डीपेस्ट पॉसिबल जीते हैं, तो हम ट्रैक पर भी जाते हैं, कठिन से कठिन ट्रैक करते हैं, हम जम के डांस करते हैं तो बेस्ट पॉसिबल रात में 3-3 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, हम दुनिया का सर्वोत्तम संगीत सीखने की कोशिश करते हैं, उसमें से कुछ कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या सब हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हम लोगों को, हम पढ़ाई करते हैं, इस समाज की गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये समाज कैसे चल रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं, उस पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, कोई आए ना क्या फर्क पड़ता है, हम 10 लोग अपना मोर्चा निकालेंगे, नो प्रॉब्लम, हम क्यों चुप रहे। तो दोस्तों ये हमारा जीने का अंदाज है, और वो जीने का अंदाज हम बेस्ट पॉसिबल जीने की कोशिश करते हैं, इसलिए खूब मेहनत करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, बहुत से इसीलिए हम इतने सारे विंग्स खोल कर रखे हुए कि ये भी किया जाए, ये भी किया जाए, ये भी किया जाए, और लोग जुड़ेंगे और भी कुछ करेंगे। आप में से जो लोग इस रास्ते पे हमारे साथ चलना चाहते हैं, आपका स्वागत, धन्यवाद।